आप सभी का स्वागत है। आज दूसरे दिन का पहला सत्र। कल पहले दिन हम लोगों ने चार सत्र किया। इन चार सत्रों में हम लोगों ने पहले सामान्यतः इस वर्कशॉप के को कैसे शुरू करेंगे, कैसे सुनेंगे, क्या इस वर्कशॉप का पर्पस है, क्या प्रक्रिया है, क्या उपलब्धियां होंगी, उन सब मुद्दों पे थोड़ी बात की। फिर हम में से ज्यादातर लोग चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो इस पर भी चर्चा किया हम लोगों ने कि आदमी की जो मूल चाहना है, सुखी होना, समृद्ध होना और उसकी निरंतरता को सुनिश्चित करना, उस मूल चाहना को पूरा करने के लिए शिक्षा की क्या भूमिका होगी। तो शिक्षा के भूमिका के संदर्भ में भी कल बात हुई थी। और उसके बाद अगले सत्र में हम लोगों ने उसी का और फैलाव किया और उसके अगले सत्र में हम लोगों ने सुख को समझने का थोड़ा प्रयास किया, समृद्धि को भी समझने का थोड़ा प्रयास किया, साथ साथ सहज स्वीकृति को भी समझने का थोड़ा प्रयास किया। तो कल दिन भर की पॉइंट्स को देखेंगे तो ये चार या पांच की पॉइंट्स हम लोग कह सकते हैं एक एक सेशन का। तो पहले सत्र में हम लोगों ने एक तरह से अवेयर हुए कि 5 दिन क्या करने वाले हैं। दूसरे सत्र में हम लोग मानव की मूल चाहना में जो शिक्षा की भूमिका है, शिक्षक की भूमिका है, उन सबको थोड़ा समझने का प्रयास किया। और तीसरे सत्र में इसका फैलाव करके जीव चेतना और मानव चेतना के संक्रमण को समझने का काम किया। और चौथे सत्र में हम लोगों ने सुख समृद्धि और सहज स्वीकृति की को समझने का काम किया। तो एक तरह से की पॉइंट कल का कहेंगे तो इतना है। इन की पॉइंट को थोड़ा और थोड़ी सी डिटेलिंग अगर करना चाहे तो 5-7 मिनट में मैं उसको समराइज कर देता हूँ, क्योंकि आरपी सिंह भैया जैसा ध्यान दिला रहे थे कि हम लोग 5 दिन चर्चा जरूर करने वाले हैं, लेकिन सेंटेंस एक ही है जो कल शुरू हुआ है और आखिरी दिन खत्म होगा। तो उस एक सेंटेंस का थ्रेड बना रहे, इसलिए हम लोग रोज थोड़े थोड़े समय सार पर, है ना, समअप पर, एक सिक्वेंसिंग पर लगाएंगे, जिससे कि वो एक सेंटेंस के रूप में हमको विजुअलाइज हो पाए, हम उसको समझ पाए। तो कल देखेंगे तो मुख्यतः जो बात हम लोगों ने शुरू की थी वो तो यहाँ से शुरू की थी कि हम सब चाहते जरूर हैं, हम सब चाहते तो न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज है, है ना। तो दृष्टि तो हमारी जगह है कि ये, लेकिन ऐसे में हम शिक्षकों की और शिक्षा की कुछ भूमिका हो सकती है क्या, उसको पहचान कर उसको पूरा करने की जिम्मेदारी को तय करने के अर्थ में हम सब लोग इस काम को कर रहे हैं। तो कैसे भूमिका हो सकती है उसको हम लोगों ने कल कनेक्ट करके देखा कि जिस तरह की शिक्षा हम उपलब्ध कराते हैं परिवार में, समाज में, विद्यालय में, वैसी लोगों की दृष्टि हो जाती है ना। तो सुविधा केंद्रित शिक्षा को उपलब्ध कराएंगे तो सुविधा केंद्रित दृष्टि हो जाएगी, तो आदमी गाना लिखेगा कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, है ना। और समाज संबंध सुविधा तीनों को केंद्र में रखकर शिक्षा को देंगे तो आदमी कुछ और गाना लिखेगा, कुछ और बात करेगा कि भाई समझ भी जरूरी है, संबंध भी जरूरी है, रुपया भी जरूरी है, तीनों का महत्व है। तो जैसा शिक्षा देंगे वैसी दृष्टि होगी, और जैसी दृष्टि होगी वैसी आदमी अपनी भागीदारी को पहचान पाएगा अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रकृति और अस्तित्व के लिए, प्रकृति और अस्तित्व में। तो अपने लिए क्या उसकी भागीदारी है, है ना। तो जैसी हम शिक्षा यहाँ देंगे वैसी दृष्टि और वैसे अपने भागीदारी को वो पहचान पाएगा। तो अगर हमने शिक्षा दे दी है सुविधा केंद्रित जीने की, तो सारी चीजों को सुविधा को केंद्र में रख के अपनी भागीदारी को पहचानेगा। तो किसी से दोस्ती भी करेगा तो ये देखेगा कि इसमें कितना मेरा लाभ है, किसी के साथ संबंध जोड़ने भी जाएगा तो ये देखेगा कि यहाँ से मेरा लाभ धन के रूप में कितना होने वाला है, ना, मैं कितना इसका शोषण कर सकता हूँ। 5 लोग ग्रुप भी बनाएंगे तो ये सोच के बनाएंगे कि हम 5ों अपने सुविधा संग्रह को कैसे बढ़ा सकते हैं, चलो मिलके प्रयास करते हैं, तो वैसा जाएगा। लेकिन अगर शिक्षा में बात हो रही है समझ संबंध सुविधा तीनों की, तो फिर आदमी की दृष्टि वैसी होगी, फिर वो भागीदारी करेगा तो संबंध में जिम्मेदारियों को पहचान के करेगा, है ना, और जहां सुविधा की आवश्यकता होगी उसको ठीक से पहचानेगा, उसमें भी एक दूसरे का सहयोग करेगा और समझ में भी सहयोग करेगा। तो फिर जो दोस्ती होगी, जो ग्रुप बनेंगे, वो समझ को एक दूसरे के विकसित करने में सहयोग करेंगे, संबंध को जिम्मेदारी के रूप में स्वीकारेंगे, ना कि एक तरह से शोषण के अवसर के रूप में। और सुविधा सब परिवारों में तरफ बढ़ पाए बजाय संग्रह के, उन सब का एक प्रयास होगा। तो जैसी शिक्षा होगी वैसी लोग भागीदारी को पहचानेंगे।
वैसे ही जीने के तरीके को सीखेंगे, वैसा ही स्किल डेवलप करेंगे, वैसा ही हुनर डेवलप करेंगे, वैसा जिएंगे, और जैसा जिएगा एक एक आदमी अंतत्व तो समाज वैसा ही बनेगा। तो मानवीय आचरण करते हुए जिएंगे, समाज संबंध सुविधा तीनों को ध्यान में रखकर सबका पूरा हो, संबंध पूर्वक भी जी पाए, समझी की तरफ भी सब पाए, एक मानवीय समाज बनेगा, न्यायपूर्ण समाज बनेगा, न्याय संगत समाज बनेगा, मानवीय व्यवस्था बनेगी। लेकिन खाली सुविधा केंद्रित अगर चलता रहेगा मामला, तो सब एक दूसरे के साथ, ज्यादातर लोग एक दूसरे के साथ सुविधा कितना हम ले सकते हैं उसको केंद्र में रख के बात करेंगे, तो एक उस तरह का समाज बनेगा, शोषण की तरफ जाता हुआ, एक दूसरे का जो एक दूसरे से लेने का ज्यादा ना वो चलेगा। तो मुख्य बात कल जो हुई कि जैसा शिक्षा देंगे वैसा ये कनेक्ट होते हुए समाज में आके रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए हम शिक्षकों की, हम पेरेंट्स की, समाज के उन सभी सोर्सेज की जहाँ से शिक्षा लोग ले रहे हैं, जहाँ से शिक्षा का काम चल रहा है, उन सबका एक महत्वपूर्ण रोल है, जो कि माँ बाप से शुरू होता है, शिक्षकों से गुजरता हुआ समाज के उत्तम सभी रोल मॉडल्स जो एक तरह से लोगों में शिक्षा देने के काम को कर रहे हैं, तो इन सबका एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है कि शिक्षा मानवीय हो, मानवीय अर्थात मानव के निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की आवश्यकता को पूरा करने वाला हो, अर्थात समझ संबंध सुविधा तीनों को पूरा करने वाला हो, ऐसा शिक्षा संस्कार अगर कर पाते हैं तो ये मानव चेतना के परिमार्जन करने में सफल होती है। इसी को कह रहे हैं मानवीय शिक्षा। तो मानवीय शिक्षा से यात्रा मानवीय समाज तक हो पाएगी और एक न्यायपूर्ण, न्याय संगत समाज है ना, हम सब लोग महसूस कर पाएंगे। तो हम सब काम तो जरूर मिलके शिक्षा पे कर रहे हैं, पर लक्ष्य तो ये है कि समाज न्यायपूर्ण हो सके, न्याय संगत हो सके, मानवीय हो सके, व्यवस्था मानवीय हो सके, जहाँ हर एक मानव की सुख समृद्धि पूर्वक जीने का अवसर बन पाए। ऐसी शिक्षा की तो शिक्षा में को इन चार पैरामीटर पे पहचानना भी जरूरी है कि उस शिक्षा में जो भी हम दे रहे हैं वो सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो। सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, इसका क्या आशय है? अगर देखने जाएंगे तो वो बात जो हमको सहज स्वीकार हो रही है वो दूसरों को भी सहज स्वीकार हो। हमको तो सहज स्वीकार लग रही है, हमको तो स्वीकार लग रही है, दूसरे को दबाव में स्वीकारना पड़े या प्रभाव में स्वीकारना पड़े तो ये फिर सहज स्वीकृति उसमें नहीं। तो हर एक को एक जैसा वो सहज स्वीकार हो, हम उसको तर्क संगत ढंग से भी देख सकें कि हाँ ये तार्किक भी है, इसमें बहुत वेग बात नहीं है, साथ ही साथ हम उसकी जांच भी कर सकें, हम जांच करके उसमें तय कर सकें कि हाँ हम सुखी हो रहे हैं इससे, इससे सुखी नहीं हो रहे हैं, करके सही गलत को तय कर सके। साथ ही साथ हम ये भी देख सकें कि वैसा जब हम खुद में जी रहे हैं तो हमारे भीतर भी व्यवस्था हो रही है, संगीत हो रहा है, हार्मनी हो रही है, औरों के साथ जब ऐसा जी रहे हैं तो वहां भी व्यवस्था हो रही है, हार्मनी हो रहा है, संगीत हो रहा है ना। ये चार बातों पे अगर जो शिक्षा में हम दे रहे हैं, अगर चार बातें उसके साथ अगर हो पाती है तो फिर वो एक तरह से सार्वभौमिक रूप से शिक्षा में ये बात जा सकती है। तो इतनी बात हम लोगों ने पहले दिन किया था, एक तरह से मुख्य रूप से इसमें सुनीता सुनीता जी का हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहती हैं सुनीता जी? नहीं सर, मैं पहले कहना चाह रही थी, थोड़ी अच्छा, देर तो बाद फिर इस अपनी बात रखती हूँ। बिल्कुल मेरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। जी सर, मैं थोड़ी देर बाद रखती। जी जी सुनीता जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ब्रिज कुमार जी कुछ कहना चाह रहे? ब्रिज कुमार जी, ब्रिज कुमार जी अनूपपुर से हैं। चलिए अभी शायद हम लोग की आवाज ना पहुंच पा रही हो उन तक, हम लोग बात को आगे बढ़ा लेते हैं। तो इतनी बात पहले दिन हुई थी, मैं थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ा देता हूँ, फिर हम लोग चर्चा को और वो करेंगे। फिर आगे बात जब हम लोग बढ़े तो ये हुआ कि समझ संबंध सुविधा तीनों को अगर देखें तो जब हम सही समझ और संबंध, सही समझ के साथ संबंध पूर्वक जीते हैं तो दोनों सुखी होते हैं, उसी को कहा सुख। सही समझ के साथ सुविधा की आवश्यकता को पहचान कर उसको पूरा करते हुए जीते हैं तो हम भी समृद्ध हो पाते हैं, प्रकृति भी समृद्ध हो पाती है,
इसी को कहा उभय समृद्धि। तो ये बात ध्यान में आई कि जब हम उभय सुख उभय समृद्धि को ध्यान में रखते हुए समझ संबंध सुविधा को सुनिश्चित करते हुए जी पाते, ऐसी चेतना में जीने को ही कहा मानव चेतना। और अगर सिर्फ सुविधा को केंद्र में रखकर जी रहे होते हैं तो ऐसी चेतना को कहा जीव चेतना, क्योंकि इससे पशु का काम हो सकता है चल जाए, आदमी का तो नहीं चल सकता है। फिर ये प्रश्न आया कि सही समझ का क्या मतलब है, ये कोई निश्चित है या ओपन एंडेड वस्तु है जिसका कोई परिधि तय नहीं। तो जब ये बात हुई तो संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया कि हमारा जीने का जितना भी फैलाव है हम उसको चार स्तर पर देख सकते हैं। वो कौन कौन से चार स्तर हैं, अगर उसको पहचानने जाए तो आप इसको देख सकते हैं कि आप स्वयं के स्तर पर अर्थात मानव के स्तर पर जी रहे हैं, साथ ही साथ परिवार के स्तर पर भी जी रहे हैं, समाज के स्तर पर भी जी रहे हैं और प्रकृति अस्तित्व में भी जी रहे हैं। तो हमारे आपके जीने का ये चार फैलाव है। तो चारों जगह की व्यवस्था हमको स्पष्ट हो जाए, क्या हमको सहज स्वीकार है वो स्पष्ट हो जाए इन चारों जगहों में, उसी को कह रहे हैं सही समझ। अब इन सही समझ के बारे जो इन आएगा, विद्यालय से भी आएगा, समाज के रोल मॉडल से भी आएगा, टीवी से भी आएगा, न्यूज से भी आएगा, फिल्मों से भी आएगा, इनपुट आते हैं, लेकिन हम उसमें क्या सहज स्वीकार है ये देखने की प्रक्रिया बच्चे में शुरू करा सके तो उन सभी इनपुट से जो इस व्यवस्था के अर्थ में है उसको पहचान पाएगा और वैसा जीने का अभ्यास करेगा, हुनर सीखेगा और वैसा परिवार में भी, स्वयं में भी, समाज में भी, प्रकृति अस्तित्व में भी, और परिणाम स्वरूप वह निरंतर सुख समृद्धि के भाव को महसूस कर पाएगा जो कि उस आदमी की अर्थात मानव की मूल जान है। ऐसा जीता हुआ मानव, उसको कहेंगे मानव चेतना में जीता हुआ मानव, जो खुद सुख और समृद्धि का स्रोत है और दूसरों के सुख समृद्धि के लिए प्रयासरत है, अपने में सुख समृद्धि के भाव से युक्त है और दूसरों को सुख समृद्धि के में जी पाने में सहयोग कर रहा है। ऐसे जीते हुए चेतना के साथ व्यक्ति के को कहेंगे कि वो मानव चेतना में जी रहा है। इसलिए कहा कि इसको दूसरे तरीके से अगर कहें कि सही समझ का फैलाव क्या है तो उसी को कहा मानव परिवार समाज प्रकृति अस्तित्व से, है ना, इन सब जगह व्यवस्था की स्पष्टता और संबंध का क्या फैलाव है परिवार से लेकर विश्व परिवार तक। हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, न्याय से जीना चाहते हैं, लेकिन परिवार में ही थोड़े संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, परिवार से तो शुरू होगा मामला, जाएगा कहां तक, विश्व परिवार तक। तो हम न्याय सुनिश्चित करके जीना चाहते हैं परिवार में, लेकिन परिवार से लेकर यह फैलेगा विश्व परिवार तक। प्रकृति के साथ संबंध पूर्वक व्यवस्था में जीते हुए हम उभय समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपने लिए भी और परिवार के लिए, प्रकृति के लिए भी और परिवार के लिए भी। तो हम ऐसी परिवार व्यवस्था में जीना चाहते हैं जिसमें हमारे परिवार की भी समृद्धि हो और हमारी परिवार की प्रकृति की समृद्धि में भी भागीदारी, उसको कह रहे हैं परिवार व्यवस्था। लेकिन ऐसी परिवार व्यवस्था हम सिर्फ परिवार में थोड़े चाहते हैं, परिवार से शुरू होगी, चाहते तो विश्व परिवार तक ऐसी व्यवस्था है जहां हर एक परिवार के समृद्धि का अवसर बन पाए और प्रकृति में भी समृद्धि बनी रहे। तो एक तरह से उसी बात को थोड़ा और बड़े स्केल पर फैला के हम लोग देख सकते हैं इस रूप में। तो ये जो लाइन है, इधर से जो लाइन आ रही है जो उभय सुख तक जा रही है, ये फैलाव है कहां तक, अखंड समाज, अनडिवाइडेड सोसाइटी। ये जो विश्व परिवार है ना, जिसको विश्व परिवार तक हमारी दृष्टि फैल रही है, इसी को कह रहे हैं अखंड समाज। और ये जो व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था शुरू होकर विश्व परिवार व्यवस्था तक दृष्टि जा रही है, इसी को कह रहे हैं सार्वभौम व्यवस्था। अंतत्व गत्वा हम सभी मानव का लक्ष्य यही है कि हम परिवार में भी समृद्धि पूर्वक जी पाए और धरती का हर एक परिवार समृद्धि पूर्वक जी पाए और प्रकृति की भी समृद्धि बनी रहे, क्योंकि हर एक मानव का ये लक्ष्य है कि ये काम हो सके, इसलिए इसे कह रहे हैं मानव लक्ष्य, अर्थात इस धरती पर एक सार्वभौम व्यवस्था बन पाए और तमाम धरतियों में सार्वभौम व्यवस्था बन पाए। कल हम लोगों ने इसको और थोड़ा फैलाया था कि ये जो जीव चेतना है उससे मानव चेतना में संक्रमण हो सके, एक तरह से देखें तो ये परिमार्जन हो सके, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, ये चेतना का समग्र विकास है। तो कोई व्यक्ति सुविधा में खूब फैलता जा रहा है तो सुविधा में फैलना एक दिशा में फैला हुआ है,
तीनों ही तरफ उसका विकास हो रहा है, तो उसे कह रहे हैं चेतना का समग्र विकास। तो हम सब देख सकते हैं कि हम चेतना में कैसा विकास चाहते हैं, सिर्फ सुविधा की दृष्टि से विकास चाहते हैं या समझ संबंध सुविधा तीनों की दृष्टि से चेतना को विकसित करना चाहते हैं, तीनों में विकसित हो रहे हैं, तो इसको कह रहे हैं समग्र विकास। और ऐसे समग्र विकास में, समग्र विकास के लिए, इस तरह की चेतना के परिमार्जन के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कल हम लोगों ने थोड़ा अन्य मुद्दों पे भी थोड़ा सा चर्चा किया था, उसके बारे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं अगली स्लाइड जस्ट कुछ मिनटों में ओपन कर ले रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे। जी, दूसरी बात जो कल हम लोग किए थे, स्वयं में जांच परख। तो जो स्वयं में जांच परख से क्या आशय था, उसको कल हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि जो भी कहा जा रहा है वो एक प्रस्ताव है, आपसे अपेक्षा है उसको जांचें, माने नहीं, और जांच भी अपने अधिकार पर, अपनी सहज स्वीकृति के अधिकार पर। अगर वो हमको सहज स्वीकार लगता है तो पहले जांच में वो बात पास होगी, अर्थात पहला जांच हमारे लिए सही साबित होगा, और अगर वो सहज स्वीकार नहीं है तो बात प्रस्ताव वही रिजेक्ट हो गया। लेकिन अगर सहज स्वीकार दिख गया तो फिर दूसरा जांच और उसके साथ जुड़ा हुआ है, हम उसे जी करके देखें। जीने में, मानव के साथ व्यवहार में, और प्रकृति के साथ, शेष प्रकृति के साथ कार्य में। तो जीने में हम जो व्यवहार करेंगे मानव के साथ, कार्य करेंगे शेष प्रकृति के साथ, उससे अगर उभय सुख और उभय समृद्धि सुनिश्चित हो रहा है तो बात हमारा प्रस्ताव जो है वो दूसरे टेस्ट से भी पास हो, पहले टेस्ट से भी और दूसरे टेस्ट से भी। ये दोनों टेस्ट से पास हुआ जब प्रस्ताव, तो उसी प्रस्ताव को कह रहे हैं कि ये हमारा समझ है, अर्थात जो हमको सहज स्वीकार है, जैसा जीकर हम भी सुखी होते हैं तो दूसरे भी सुखी होते हैं, जैसा जीकर हम भी समृद्ध होते हैं प्रकृति भी समृद्ध होती है, वैसा प्रस्ताव ही अब हमारा समझ के रूप में हम उसे कह पाते हैं। तो ये जांच की प्रक्रिया कल हम लोगों ने चर्चा की थी, और कल दिन भर जो बातचीत हम लोगों ने किया इसी प्रक्रिया से किया था। साथ ही साथ देखें तो हम लोगों ने सुख और समृद्धि को भी पहचाना था, सहज स्वीकृति के बारे भी थोड़ी बात की थी, है ना, कि सहज स्वीकृति में निश्चितता रहती है, ये बदलता नहीं है, हमको जो सहज स्वीकार है दूसरे को भी वही सहज स्वीकार होता है, आज हमको जो सहज स्वीकार है कल भी वही सहज स्वीकार रहता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए एक जैसा सहज स्वीकार रहता है। लेकिन जो स्वीकृतियां हैं वो समय के साथ बदलती जाती हैं, है ना, आज कुछ और स्वीकार दिखता है, कल कुछ और, हमको कुछ और स्वीकार दिखता है, दूसरे को कुछ और, तो स्वीकृतियां बदलती जाती हैं। तो कल हम लोगों ने थोड़ी सहज स्वीकृति और स्वीकृति को पहचानने का काम किया, थोड़ा सुख के बारे भी कल बात किए थे कि सुख के बारे बहुत सारे प्रश्न तो है, लेकिन सुख को हम पहचान सकते हैं क्या निश्चितता के आधार पर। तो सुख के बारे जो बात हुई थी कि मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूं, अगर उसमें संगीत है, व्यवस्था है, हारमोनी है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार होता है, इस स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है, हारमोनी में, व्यवस्था में जीना ही सुख है। और मैं जिस स्थिति परिस्थिति में जीता हूं, अगर उसमें अंतर विरोध है, अव्यवस्था है, तो ऐसा जीना फिर मुझे सहज स्वीकार नहीं होता, और इस अस्वीकृति के भाव में जीने के लिए बाध्य होना ही दुख है, अंतर द्वंद अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना ही दुख है। उसी को एक लाइन में कहा था कि व्यवस्था में जीना सुख है, इसका पहचान ये है कि हम उस स्थिति में निरंतर बने रहना चाहते, अंतर विरोध अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना दुख है, और उसका पहचान ये है कि हम उससे बाहर निकलना चाहते, उस स्थिति परिस्थिति में बने रहना नहीं चाहते। और इस पर भी बात हुई थी कि सुख और आवेश अलग अलग बातें हैं, है ना, तो हम बड़ी नई कार लेके आते हैं ना, नई कार लाके दरवाजे पे खड़े करते, तो दो दिन तीन दिन जब लोग आके कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छी कार लाए, बहुत अच्छी चमक रही है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, तो जो हम फील करते हैं ना, और फिर पांच छह दिन बाद, सप्ताह दस दिन बाद बदल जाता है, उसे हैप्पीनेस कहेंगे कि एक्साइटमेंट, ये तय करने की बात है।
कि 3 दिन 4 दिन उस कार में बैठकर घूम घूम के अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो बदल जाता है। तो उसे हैप्पीनेस कहें कि एक्साइटमेंट कहें, अगर वही कार हमने इस दृष्टि से खरीदी है कि हमको अपने परिवार को सुरक्षित एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो जितना हम अपने परिवार को उस कार में सुरक्षित एक जगह से दूसरे जगह ले जा पाते हैं, उसकी हार्मनी हम हमेशा फील करते रहते हैं जब तक हमारे पास वो कार है। तो उसको देखेंगे तो वो बदलता नहीं है, वो बना रहता है। लेकिन अगर हम उस कार को दूसरे को दिखाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, ध्यान पाने के लिए खरीदे रहते हैं, तो जब तक दूसरा देखता रहता है, ध्यान देता रहता है, हमको सम्मान देता है, उसके आधार पर हमको थोड़ा विशेष मानता है, तो हम अपने में एक्साइटेड फील करते रहते हैं। और दूसरा तो एक बार दो बार कहेगा कि आपकी कार बहुत अच्छी है, नई है, जिंदगी भर तो कहता नहीं है। और पड़ोसी अगर उससे बड़ा कार ले आया तो हमारा एक्साइटमेंट उसी क्षण खत्म हो जाता है। तो हम अपने भीतर देख सकते हैं कि कहीं हम एक्साइटमेंट को ही सुख मानकर जिंदगी प्लान तो नहीं कर रहे हैं। तो नई कार लाकर लोगों का ध्यान पाकर एक्साइटेड होने का प्लान, नए नए कपड़े पहनकर लोगों का ध्यान पाकर एक्साइटेड होने का प्लान, तो हमने कहीं एक्साइटमेंट को ही हैप्पीनेस तो नहीं मान लिया। लोगों का मजाक उड़ाकर एक्साइटमेंट क्रिएट करके हंसना और उसी को ही सुख तो नहीं मान लिया। या हम संबंध में सम्मान पूर्वक जीते हुए हार्मनी को देख पा रहे हैं और उस हार्मनी को सुख के रूप में स्वीकार पा रहे हैं। इतनी बात कल हुई थी, है ना। समृद्धि के बारे भी थोड़ी बात हुई थी, है ना, कि हम हमारी जो आवश्यकता है उससे अधिक सुविधा का उत्पादन होना या उपलब्ध हो जाना उसको समृद्धि कह रहे हैं। तो इसमें दो बातें हम लोगों ने पहचाना था, सुविधा की आवश्यकता को पहचानना और उससे अधिक को सुनिश्चित करना। तो ये तो सही समझ से होगा, ये सुविधा से होगा। तो समृद्धि के लिए सही समझ और सुविधा दोनों जरूरी है। सिर्फ सुविधाएं हमको समृद्धि का भाव नहीं दे सकती। जब तक हमको ये ना पता हो कि वास्तव में हमको कितने की आवश्यकता है ना। पानी इसमें भी भर रहे हैं और पानी इसमें भी भर रहे हैं, गिलास भर गया है, पता इसी में चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। तो इसलिए हमको आवश्यकता का भी पता हो कि ये हमारी आवश्यकता है और हम उसकी पूर्ति भी कर रहे हो, तभी जाके समृद्धि होगा। अन्यथा अगर हमको आवश्यकता का ही पता नहीं है, बेसलाइन ही गायब है कितनी आवश्यकता है, तो कितना भी हम घर में भरते चले जाए, है ना, समृद्धि का भाव तो आएगा नहीं। तो मैं थोड़ा पूछ लेता हूं कि समृद्धि के लिए सुविधा का आवश्यकता कितना है, ये पता होना आवश्यक है या उसके बिना भी समृद्धि हो सकती है जी। तो बहुत सारे लोगों के माइक आप देखेंगे तो हम लोगों की तरफ से इनेबल है, कोई भी लोग इस पर अपनी बात रख सकते हैं। ब्रिज कुमार जी हैं जी, सुषमा गुप्ता जी हैं। नमस्ते सुषमा जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए क्या लगता है आपको समृद्धि के बारे में। जी मैं थोड़ा सा कल का भी जो आपने बताया है उसका भी सार लेना चाहूंगी इस बारे में। मैं ये बताना चाहूंगी सर कि कल आपने बताया समझ संबंध और सुविधा जी जो होती है उसमें जो इम्बैलेंस होता है, जो असंतुलन की व्यवस्था होती है, तो वो मुझे लगता है वो असंतोष से आती है जी। जो इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, वो असंतोष की भावना से आती है। जैसे आपने कल जग का और गिलास का उदाहरण बताया कि एक गिलास नीचे से टूटा हुआ है और हम उसमें भरे जा रहे हैं तो पानी चला जा रहा है लेकिन वो भर नहीं पा रहा है, तो ये हमारा असंतोष है कि हम डाले जा रहे हैं और वो पानी निकलते जा रहा है। तो इसमें हमको जो इसका जो निराकरण है उसका मुझे लगता है कल से जो आत्ममंथन मैंने किया है, मुझे लगता है कि इसके लिए एक समग्र शिक्षा विकास की जरूरत होती है। जैसे होलिस्टिक एजुकेशनल एडवांसमेंट जो है ये इससे इसका निराकरण हो सकता है इससे। और जो आपने समृद्धि की बात की है तो समृद्ध हम तभी हो सकते हैं जब हमें संतोष की भावना हो। सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो अपने आपको समृद्धि की भावना अपने आप आ जाएगी।
अनसेटिस्फाइड होने से ये समृद्ध होने की भावना नहीं आ सकती, ये ऐसा मेरा मानना है सर। जी मैं उस पर थोड़ा आपसे इस ध्यान मतलब थोड़ा चर्चा इस बात पे करना चाहूंगा कि समृद्धि से संतोष आएगा कि संतोष से समृद्धि आएगा, इस पर थोड़ा विचार किया जाए। तो जैसे एक तो यह है कि हमको पता लग गया कि हमारी आवश्यकता इतनी है, हमको आवश्यकता का पता लग गया कि हमारी आवश्यकता इतनी है, से हमको पता लग गया कि हमको 10 जोड़ी जूते की आवश्यकता है, तो आवश्यकता पता लग गई। अब हमारे पास 12 जोड़ी हो गया जी, तो हमें समृद्धि का भाव आया और उस समृद्धि के भाव से हमें संतोष आया कि अब हमको और जूते की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी अधिक है, बल्कि 2-4 किसी को देना पड़ा तो हम दे देंगे, दे देंगे जी, उससे फिर संतोष आया। तो 3 स्टेप हुए, आवश्यकता का पहचान पहला स्टेप, हमारे पास उससे अधिक है देख पाई ये दूसरा स्टेप, इन दोनों से जो आया ये समृद्धि कहलाया। जी हम देख पाए हमें ये जो भाव आ गया, इसको फिर कह रहे हैं कि भाई अब हमको और आवश्यकता नहीं है, और कोई देगा भी तो अब हम मना कर देंगे या किसी और को दे देंगे, ये फिर जी, तो ये फिर संतोष है जी। तो संतोष 3रा स्टेप है कि आवश्यकता की पहचान और उससे अधिक की उपलब्धता से समृद्धि, अब उसके बाद अब हमको और आवश्यकता नहीं है, अब हम औरों को दे सकते हैं, वो संतोष। जी 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 थैंक यू वेरी मच सर। जी जी थैंक यू जी। ब्रिज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रिज कुमार जी। जी ब्रिज जी, आपको हम लोग की आवाज मिल रही है? हेलो, लगता है ब्रिज जी को आवाज नहीं मिल रही है। जी रेखा श्रीवास्तव जी, प्रशांत जी, अंशुमन जी, आप सब लोग बता सकते हैं। जी प्रशांत जी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते बताइए। जैसे अपन ने अभी समृद्धि के लिए कहा कि अपने पास 10 कपड़े हैं, 10 जोड़ी और 12 जोड़ी हो जाते हैं तो वो व्यक्ति समृद्ध हो गया है। हाँ नहीं, मैं थोड़ा इसमें प्रशांत जी वो कहेंगे, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि हमको अगर ये स्पष्ट है कि 10 जोड़ी कपड़े की हमको आवश्यकता है और हमारे पास 12 हो गए तो हमको लगता है हमारी आवश्यकता से अधिक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पर एक बात और हमारे मन में जो विचार आया वो ये है कि हमारे पास मान के चलो हमारे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों के लिए हमने अलग अलग मकान खरीद दिए और वो रहने लगे उसमें। अब उसके बाद भी हमारे हमने क्या किया, 10 मकान और खरीदे, खरीदने के बाद उनको हमने किराए पर लगा दिया, मतलब कहीं ना कहीं से हमारे पास स्रोत आने लगा और मन में ये विचार रहने लगा कि अभी और हमको करना है और किराए पर देना है, तो उससे समृद्धि बढ़ेगी या कम होगी? जी तो अगर आप देखें तो उससे जो हो रहा है, अगर आप अध्ययन करें तो ये पता लगता है कि उससे पैसा तो और आने लग गया है ना, सुविधाएं और आने लग जाएंगी उससे, ये बात तो ठीक है। तो सुविधा संग्रह तो खूब बढ़ जाएगा, सुविधा संग्रह बढ़ेगा, लेकिन हमारे परिवार में सुविधा की आवश्यकता कितनी है अगर परिवार ने पहचाना नहीं है, है ना, नहीं पहचाना है तो समृद्धि का भाव तो कभी महसूस नहीं होगा। हाँ वही तो हम जानना चाह रहे थे, मतलब समृद्धि का भाव नहीं आया, मतलब उन्होंने काफी मकान खरीद लिए लेकिन समृद्धि का भाव नहीं आया अंदर उनके। जी तो सुविधा का संग्रह बढ़ गया, समृद्धि तो तभी आएगा जब देख पाएंगे कि भाई हमारे परिवार में 10 सदस्य है तो हमको 10 कमरे, 6 कमरे, 8 कमरे, 12 कमरे इतनी चाहिए जो भी तय करें, और उससे अधिक कमरे हमारे घर में उपलब्ध है जब दिखेगा तो समृद्धि आएगा, अन्यथा खाली मकान की संख्या बढ़ा लेने से तो सुविधा संग्रह हो जाएगा, समृद्धि नहीं आएगा। जी राकेश जी आपको क्या लगता है, बेबी जी आपको क्या लगता है? नमस्ते भैया जी, नमस्ते, बताएं। हाँ रश्मि अशोकनगर से भैया, मैं हाँ जी एक उदाहरण अपना स्वयं का देना चाहती हूँ कि मेरा छोटा सा घर है और अशोकनगर छोटा सा शहर है तो यहाँ पे पर्याप्त तो ऑक्सीजन है, तालाब है, बढ़िया बढ़िया वातावरण है, कोई गर्मी नहीं, कुछ नहीं, पॉल्यूशन ज्यादा नहीं है। अब ऐसे में जैसे घर घर एसी लगते हैं तो मैं महिलाओं से बोलती हूँ कि अपने शहर में अपन को एसी की जरूरत नहीं है,
किसी को दिखाना थोड़ी है, अपन को नहीं लगाना चाहिए। अगर अपन समुद्री किनारे किसी शहर के हों या कहीं ऐसी जगह के जहाँ बहुत गर्मी है तो एसी जरूरी है, अपने यहाँ कूलर से काम चल सकता है। तो मैं अपने जीवन में ये अप्लाई करती हूँ कि मैंने अपने घर में एसी नहीं लगाया और दूसरों के यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे ज्यादा अपने आप को समृद्ध मानती हूँ। तो ये उदाहरण मैं देना चाह रही थी, मैं संतुष्ट हूँ तो, कि जरूरत नहीं है अशोकनगर में एसी की। बिल्कुल, तो ये तो आप जो कहना चाह रही हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि हम क्या कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कहीं घर बनाए हैं, लेकिन चूंकि हमारे रिश्तेदारों के घर में एसी है इसलिए हम भी एसी लगाएंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सुविधा जो है हमारी आवश्यकता जितनी है उससे अधिक हो या दूसरों से अधिक हो, ये बात है। तो दूसरों से अधिक हो ये कोई सुविधा का मामला तो है नहीं, मतलब समृद्धि का मामला तो है नहीं, है ना। समृद्धि तो तब है कि हमको ये स्पष्ट हो जाए कि हमारे परिवार की आवश्यकता कितनी है, और हमारे पास उससे अधिक है और नहीं है तो उससे अधिक कर ले। जी सर, मैं बोलूं सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताएं। मैं ग्वालियर से अंशुमन शर्मा हूं सर। तो आवश्यकता जो आपने बोला कि कितनी है आवश्यकता, तो आवश्यकता भी अपने अपने स्वभाव पे डिपेंड करती है। जी जी, किसी का स्वभाव, अगर मेरा स्वभाव है दो रोटी खाने का तो मैं दो रोटी खा लेता हूँ, और किसी को दो रोटी भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए, तो इस तरह से है। मैं अपने बाइक से ही काम चला लेता हूँ तो किसी को कार भी चाहिए जाने के लिए, मैं दो कपड़ों से काम चला लेता हूँ तो किसी को 10 कपड़े भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो आपने आवश्यकता बोला, तो आवश्यकता आजकल तो जो समझ में आ रहा है कि लोगों के अपने अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने अपनी आवश्यकताएं बनाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे अगर आप आपके बारे की जाए बात, तो आपको दिन भर में कितने भोजन की आवश्यकता है वो निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा? एक्चुअली मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर मेरा स्वभाव, मैंने चलो दो रोटी मिल रही है तो दो खा लेते हैं, चार मिल रही तो अपन चार भी खा लेंगे, उसको भी चलेगा। वही तो, उसको देखने जाएं तो दो खाएंगे कि चार खाएंगे कि छह खाएंगे, कहीं पर उसकी निश्चितता होगी कि ओपन एंडेड है? हाँ, कहीं ना कहीं निश्चितता होगी। जैसे अपन बिल्कुल छह से अगर खाएं तो छह से ज्यादा तो अपन कभी खा ही नहीं सकते। हाँ, तो एक निश्चितता होगी, है ना जी। अब हम अगर कपड़े भी पहन रहे हैं उसी तरह से, तो हमको 5 जोड़ी कपड़े चाहिए कि 50 जोड़ी कपड़े चाहिए, कहीं तो वो आवश्यकता निश्चित होगी या ओपन एंडेड रहेगा, ये बात कह रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपको 10 जोड़ी कपड़े की आवश्यकता लग सकती है, किसी को 20 की लग सकती है, किसी को 25 की लग सकती है, किसी को 5 की लग सकती है। तो अलग अलग व्यक्ति की आवश्यकता जो संख्या है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो निश्चित होगी कि ओपन एंडेड होगी, वो प्रश्न है। हेलो सर, मुझे अनुमति है निवेदन करने की? हाँ, हितेंद्र जी को सुन लेते हैं, फिर दीप्ति मैडम आपके पास आते हैं, माइक खुले ही रहने जी हितेंद्र जी। सर एक्चुअली मैं कल भी मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो बिल्कुल मेरा वही सवाल खड़ा हो गया दोबारा जहाँ मैं बोल रहा था, समृद्ध होना और सुविधा संपन्न होना। तो मेरा निवेदन सर इसी पूरे प्लेटफॉर्म को लेकर है। एक्चुअली मैं, हम जब पहले जूम पे काम करते थे तो बड़ा डिस्टरबेंस होता था, तमाम सारे चेहरे दिख रहे हैं, फिर कह रहे हैं भाई माइक बंद कर लो, कोई कुछ कह रहा है। तो जैसे ये नया अपडेट वर्जन आप लेके आए जिसमें आप होस्ट कर रहे हैं और सारी चीजें हो रहे हैं, तो मजा आ गया, एक अंदर से फीलिंग आई हमें, वो समृद्ध होने का मामला था। हम पहले से अपडेट है, पहले से थोड़े से मॉडिफाई हो गए, तो ये हमारी समृद्धि ने हमारी सुविधाओं को कितना बढ़ाया है कि आपकी बात बेहतर तरीके से सुन पा रहे हैं हम लोग, और उस बेहतर चीज को सुनने में जो डिस्टरबेंस आ रहे थे वो खत्म हो गए। सुविधा मतलब ये सुविधा हमको मिली, तो जो हमारी डिजिटल कह लीजिए या सुविधा समृद्धता आई है उससे हमारी सुविधाएं बढ़ी हैं। मैं बस यही निवेदन कर रहा था जी। तो समृद्धि के लिए आवश्यकता का पहचान होना आवश्यक है हितेंद्र जी, या बिना आवश्यकता पहचाने भी समृद्धि हो सकती है? नहीं, आवश्यकता बहुत जरूरी है। एक्चुअली सर मैं स्ट्रीमयार्ड में पहले होस्ट कर चुका हूं 10 लोगों को, तो मुझे लग रहा था कि जूम में भी ऐसी कोई व्यवस्था आनी चाहिए कि एक आदमी होस्ट करे और बाकी लोगों को खुद अपने हिसाब से हैंडल कर सके। तो मैं इसको पहले से चाह रहा था कि इस तरह की चीज हो, मेरे जहन में था, तो मुझे लगा ये समृद्धि बहुत अच्छी है जी। तो जैसे आपके आपको कितने जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है ये आप तय कर सकते हैं अपने लिए, या जिंदगी में कभी तय ना होने वाली बात है? अरे सर बड़े विचित्र सवाल पूछा है आपने। मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने ये तय किया था कि मेरे पास 365 जोड़ी कपड़े होंगे यार, रोज एक पहनूंगा।
उस समय की बात है ये एक्चुअली में, जी, आज जब समझ बढ़ी है तो ये लगता है कि 10 भी पर्याप्त है, क्योंकि उसके पहले हम जब शिक्षा में थे पिताजी उस तरह की स्थिति में नहीं थे, तो हमने 3-4 जोड़ी में भी जीवन निकाला है। वही वही तो हमको कितने सुविधा की आवश्यकता है ये पहचान लेना ये आवश्यक है, या इसके बिना ही जिंदगी चलता रहे ठीक है, क्या लगता है? अच्छी जिंदगी के लिए हमें अपनी सुविधाओं का चिन्हांकन करना चाहिए सर। चिन्हांकन करना जरूरी है ना। हाँ, बढ़िया बढ़िया जी। और नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी दीप्ति। जी दीप्ति मैडम, दीदी नमस्ते, बताइए आपका क्या सोचना है? छोटे से अनुभव से मैं शेयर करूंगी बात अपनी, कि अभी 10 दिन पहले ही चूंकि UHV के प्रोग्राम में अटेंड कर चुकी हूँ, तो मैंने जैसे ही जब ठंड में कपड़े निकाले तो देखा कि बहुत सारी स्वेटर्स हैं, और मुझे लगा कि मुझे किन किन की आवश्यकता है, वही चीज दिमाग में आई, और फिर मैंने उन चीजों में कमी की कि हाँ जितनी मुझे आवश्यकता है केवल उतनी ही मैं लूं। और कल जब मैं मॉल में गई तो तुरंत मेरा दिमाग कहाँ चला, अरे ये वाली जैकेट अच्छी लग रही है उसको लेना चाहिए। देखिए पता नहीं वो अंतर आत्मा से मुझे लगा कि मेरी आवश्यकता तो पूरी हो रही है, मैं वहां पे समृद्धि अपने आप को महसूस कर पा रही हूँ, मैंने दिया भी है जो मेरे पास आवश्यकता से अधिक था, तो मेरे मेरी लिमिटेशन वहां पर है, तो मैं आकलन कर भाई हूँ मैंने कल नहीं ली। छोटा सा अनुभव था। अब मैं यहाँ छोटी सी बात अपनी रखना चाहूंगी, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे जी, कि जी। बात कर रहे हैं कि हमारी सुविधाएं संपन्न हैं और जब अधिक आवश्यकता से अधिक है और उनका उपयोग जब हम किसी दूसरे के लिए या सदुपयोग के करते हैं तो हम उसको समृद्धि मानते हैं, ठीक है। अब इसी में दूसरी चीज अगर अपन देखें कि सुख में जब हम बहुत ज्यादा मतलब आवेशित ना हो कि हमको बहुत ज्यादा सुख मिल गया है, तो मतलब एक्साइटमेंट हो गया है कि हाँ हमने कपड़े दे दिए किसी को या हमने गाड़ी खरीद ली है, तो हम बहुत आवेशित हो जाए, तो मुझे ऐसा लगा कि वहां पर हमको अपने आप को नियंत्रित रखना चाहिए कि हम उस चीज में ज्यादा खुश ना हो, आवेशित ना हो। दूसरा यहाँ कन्फ्यूजन ये भैया कि जब हमको कोई दुख होता है, जब कोई परेशानी होती है, तो हम उस स्थिति में अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी महसूस करते हैं या शायद डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो क्या हम ये माने कि सुख और दुख के जो बीच का जो एक बैलेंस है, नियंत्रण है, क्या वही हमारी सही समझ है? जी तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देके वापस समृद्धि वाले मुद्दे पे आऊंगा। तो जी हम लोग जब सुख के बारे चर्चा कर रहे थे ना, सुख के बारे, तो मैंने दो शब्द का प्रयोग किया था, एक तो हार्मनी, हार्मनी और एक जो है आवेश जी, है ना। तो हम सुख किसे किसको सुख के रूप में पहचान रहे हैं क्या, है ना, वो एक मुद्दा है। तो जैसे हमने कार खरीदी, जो मैं कह रहा था कि उसी कार को हमने खरीदा ये सोचकर कि हम अपने परिवार को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते रहेंगे, वही कार हम इसलिए भी खरीद सकते हैं कि अब वो कार खरीदा है, मेरे मोहल्ले के लोग मेरे तरफ भी देखेंगे, मेरा भी सम्मान होगा, ऑफिस लेके जाऊंगा तो बाकी दोस्तों के बगल में अपनी कार खड़ी करूंगा तो सबसे बड़ी दिखेगी, तो सब मेरे कार की तरफ देखेंगे, मेरा सम्मान होगा। ये दोनों ही दृष्टि से मैं कार खरीद सकता हूँ, लेकिन जब आप इस दृष्टि से कार को खरीदते हैं, है ना, अब आप दोनों में से देख लें कि सहज स्वीकार कौन सा है। परिवार को आवश्यकता के अनुरूप, है ना, सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए कार को खरीदना सहज स्वीकार है, या दूसरों के साथ, है ना, दूसरों को दिखाकर उनका ध्यान पाना, उनसे सम्मान पाना, कौन सा वाला सहज स्वीकार है? जी परिवार के साथ जाके घूम ये वाला ध्यान में रहता है ना कि हमको सहज स्वीकार तो ये वाला है इसलिए हमने कार खरीदा है। तब वो कार जब तक आपके पास है, आप परिवार के लोगों को सुरक्षित एक जगह से दूसरे जगह लेके जा पाते हैं, और इस बात को लेकर आप हमेशा अपने आप में एक हार्मनी महसूस करते हैं। 5 साल की कार हो जाए, 8 साल की कार हो जाए, 10 साल की कार हो जाए, वो हार्मनी आप अपने में महसूस कर पाते हैं। एक तो सुख को देखने का ये दृष्टि है, ठीक है। हाँ। दृष्टि है कि मेरी कार दूसरे से बड़ी होगी, अब मेरी कार दूसरे से एडवांस की टेक्नोलॉजी में आ गई, है ना, मेरी कार बिल्कुल नए मॉडल की आ गई जो और दोस्तों के पास नहीं है। अपनी आवश्यकता को देख के कार नहीं ले रहे, दूसरे से कंपैरिजन में ले रहे हैं। जब तक उस कंपैरिजन में हम एक स्टेप आगे रहते हैं कि एक्साइटमेंट फील होता है,
लेकिन साथ ही साथ डर भी बना रहता है कि दूसरा भी प्रयास कर रहा है उसको ओवरटेक करने का। तो वो जो एक्साइटमेंट है वो थोड़े समय रहता है और थोड़े समय हमारा वो एक्साइटमेंट ड्रॉप हो जाता है। तो नई कार लाते हैं लोग, चार बार पूछते हैं, अरे कब ली न्यू ब्रांड, दिस ब्रांड, दैट ब्रांड, तो एक एक्साइटमेंट लगता है, लेकिन अब वो लंबे समय तो चल नहीं पाता है ना, तो थोड़े समय बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो आप प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने इस ऊपर वाले ब्रांच को सुख के रूप में समझ रखा है, तो हमारे सुख की हार्मनी, हमारा जो सुख है अर्थात हार्मनी, ये सस्टेन कर सकती है। लेकिन अगर हमने इस नीचे वाले को, है ना, ये जो नीचे वाला है कहीं इस लाइन को कंफ्यूजन में मान लिया है सुख, तो हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फंस जाते हैं जी। अभी अपने जीने को देखे ना, तो ज्यादातर बहुत सारी सुविधाएं हम इसी चैन में आके खरीदते हैं। जैसे मोबाइल लाएंगे तो बात करने के साथ तो बहुतों को दिखाने का भी प्रयास करते हैं कि देखिए नया मोबाइल आ गया, और दूसरे के कमेंट को भी उम्मीद करते हैं कि उस पे कमेंट करें। तब ये एक तरह से हार्मनी की जगह मामला शिफ्ट हो गया कहाँ, एक्साइटमेंट। इसी में अगर किसी ने थोड़ा वैसा कह दिया, अरे इतना पैसा खर्च किया तो ये वाला खरीद लेना था, वो वाला ज्यादा अच्छा मॉडल था, तो अब ये वाला जो है ना, ये समझ हो जाता है कि हार्मनी सुख है, एक्साइटमेंट सुख नहीं है। ये मुख्य बात है समझने वाला जो है। जी भैया, और इसी का भैया अगर अपन देखें कि दुख में अगर हमको कोई प्रॉब्लम है और हम फेस कर रहे हैं, मान लीजिए ऑफिशियली कोई प्रॉब्लम है और उसमें अगर नियंत्रण हम कर पा रहे हैं, उसमें अगर हार्मोनी एक स्थापित कर पा रहे हैं, तो क्या उसको भी हम सुख की परिभाषा में लेंगे? वही, तो उसको अगर ठीक से देखेंगे ना, तो जो भी दुख है तो दुख को भी अध्ययन करने जाएंगे तो दो उसमें बातें शामिल है। एक बात तो ये शामिल है कि बाहर कुछ घटना घट रही है, कोई घटना बाहर घट रही है, और ये हम है अर्थात हमारा विचार, हमारा सेल्फ, है ना, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है, है ना, हमारे अंदर कुछ अपेक्षाएं हैं, है ना, कुछ हमारी चाहना है ना जी भैया, और बाहर कुछ घटनाएं घट रही है, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में या कहीं पर, तो वो घटनाएं हमारी अपेक्षा के अनुरूप भी हो सकती है और अपेक्षा के अनुरूप नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। तो घटना अलग बात है और हमारी अपेक्षा अलग बात है, और वो अपेक्षा हमारा, है ना, बाहर के प्रभाव में भी बन सकती है और सही समझ से भी बन सकती है। हमारी अपेक्षाएं देखेंगे तो दोनों तरह से बनती है, बाहर के प्रभाव में भी और सही समझ में। तो जैसे हमने बाहर किसी दोस्त के घर गए, हमने नए डिजाइन का सोफा देखा, तो हमारी अपेक्षा बन गई कि हमारे घर में भी वैसा सोफा होना चाहिए, है ना, पर एक कि भाई हमारा सोफा अब काम लायक नहीं रहा, हमारे परिवार में एक नए सोफे की आवश्यकता है ताकि सब लोग बैठ सके, है ना, जो भी है ना, तो एक बाहर के प्रभाव में नहीं आ रहा, हमारी अपनी समझ से आ रहा है। तो तीन बातें, बाहर घटना का घटना, हमारी अपेक्षाओं का होना, और उस अपेक्षा का प्रभाव में बनना या सही समझ से बनना, है ना। अब जो ठीक से देखेंगे ना, तो हमारी अपेक्षा से वो मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, ये पहला काम है। जब मैच नहीं होता है तो हमको लगता है कि दुख इस घटना के कारण हो रहा है जी, घटना के कारण हो रहा है कि अपेक्षा मैच नहीं हो रही है, उसके कारण हो रहा है, अपेक्षा मैच नहीं हो रही है। अब चेक करेंगे कि वो अपेक्षा हमने समझ के बनाई है कि बिना समझे प्रभाव में बन गई है। तो अगर बिना समझे प्रभाव में बन गई है तो अपेक्षा को ठीक करना पड़ेगा, और अगर समझ के बन गई है फिर भी बाहर पूरी नहीं हो रही, तो फिर देखना पड़ेगा कि जिससे हम उस अपेक्षा को पूरा करने की अपेक्षा लगाए हैं उसमें उसको पूरा करने की योग्यता है कि नहीं। नहीं है, अगर योग्यता है तो वो कर पाएगा मेरी सही अपेक्षा पूरी, पर नहीं होगी तो नहीं कर पाएगा, तो क्या करो, अपेक्षा अगर मेरी सही है तो मैं उसकी योग्यता बढ़ाऊंगा ताकि आगे पूरा कर पाए। अब ये पूरा चयन जब हमको स्पष्ट होता है तो फिर घटनाएं हमको दुखी नहीं करती, क्योंकि घटना में क्या जगह स्लिप हो रहा देख पाते हैं और उसका क्या समाधान होगा वो भी देख पाते हैं, वो देख पाते हैं। जी जी, बहुत क्लियर हुआ भैया। नमस्कार सर जी। अनु भैया नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। थोड़ा दीप्ति मैडम कुछ बात इस पे कर रही है, उसको पूरा करके फिर बाकी लोगों से बात करता हूँ। जी दीप्ति मैडम।
जी आप कुछ कह रही थी, इस पे आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी जी बहुत मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा था कल से, जब मैंने ये क्वेश्चंस किए जो दिए थे तो एनालिसिस किया, तो दुख में मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन आपने बहुत इसको अच्छे से क्लियर किया कि जब हम अपेक्षाओं को ज्यादा महत्व देते, मतलब अपेक्षाओं का आकलन कर लें कि वो हमारे प्रभाव में है कि नहीं है, तो मुझे लगता है कि वहां पे सही समझ अगर हम विकसित कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हाँ वो अपेक्षाएं हमारी मतलब किस हद तक है, तो हम कर पाते हैं या समाधान किसी समस्या का निकाल पाते हैं, उसको चुनौती के रूप में ले पाते हैं, तो शायद हम एक दुख में जो नियंत्रण है उसको ठीक कर पाते हैं मेरे ख्याल से। तो मैं इसको एक बार और थोड़ा समराइज कर देता हूँ इस बात को, कि बाहर घटना होना पहला बात है, ठीक है, फिर हमारी अपेक्षा उस घटना से क्या है, हमारी अपेक्षा क्या है, ये दूसरी बात है, फिर वो अपेक्षा हमने समझ के बनाई है कि बिना समझे प्रभाव में बना ली है, ये तीसरी बात है। तीसरी बात, ठीक, का जांच होना आवश्यक है, आवश्यक है। जब तीनों का जांच होता है तो हम ये देख पाते हैं कि समस्या घटना के कारण नहीं है, समस्या हमारी अपेक्षा मैच न होने के कारण है, घटना घटने के कारण नहीं है, नहीं दुख है। जो हम भोग रहे हैं हमारी अपेक्षा मैच नहीं हो रही है, इसीलिए ठीक ठीक वो अपेक्षा हमने बिना समझे बना ली है जो कि गलत है, जांच में लगता है तो हम अपेक्षा ठीक कर लेते हैं, दुख वही खत्म हो जाता है, वही खत्म हो जाता है, बिल्कुल। और बिल्कुल। अगर दिख गया कि नहीं अपेक्षा तो हमारी सही है, उसको पूरा करना चाहिए था, तो फिर हम ये देख पाते हैं कि दूसरा व्यक्ति को उस अपेक्षा को पूरा करने की हमारी जो अपेक्षा बढ़ी हुई है वो योग्यता उसमें है कि नहीं, नहीं है। अगर है ना, और पूरा नहीं कर रहा है तो हम उसको ध्यान दिला पाते हैं, और अगर उसमें योग्यता ही नहीं है तो फिर हम अपेक्षा करें साथ साथ उसकी योग्यता को भी विकसित करने का कार्यक्रम बना पाते हैं तो देर सवेर वो उसको पूरा कर पाता है, तो फिर हम जो दुख का चक्र यहाँ बन रहा था उससे बाहर निकल पाते हैं, निकल पाते हैं, ये पूरा प्रक्रिया है। जी भैया, वो भी सामने वाले को प्रस्ताव के रूप में देते हैं। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये महत्वपूर्ण बात आपने फिर से ध्यान दिलाई कि सामने वाले को हम पकड़ के थोड़े योग्यता बढ़ा देंगे तो लड़ाई करने आ जाएगा उसकी योग्यता बढ़ाने की अपनी एक अलग प्रक्रिया है, तो उसके तहत उसकी योग्यता बढ़ेगा। जी दीदी जी, नमस्कार सर जी। नमस्ते नमस्ते बेबी जी। हाँ नमस्ते सर जी, मैं आज मतलब बहुत कल से मैं जो सुन रही हूँ मुझे बहुत खुशी हुई है, और पहली बार मैंने ज्वाइनिंग की है, तो कल से जो समझ में मुझे आया जैसे कि संतोष की बात चल रही थी अभी जी, तो सुख और समृद्धि तो ये आएगी कहाँ से जी, संतोष संतोष को जैसे कि मतलब आज मैं किराए के मकान पे रह रही हूँ जी, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति जो है मैंने देखा है यहाँ कई ऐसे लोग हैं कि जिनके तीन तीन चार चार बंगले हैं, गाड़ियां हैं, और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि अभी और होना चाहिए जी जी, है ना, तो मैंने मतलब मेरे मन में एक भाव आया कि इनसे अच्छा तो मतलब मैं जो जिस हिसाब से मैं रह रही हूँ मैं इतने में ही संतुष्ट, मुझे मतलब भरपूर मुझे इसमें आनंद है कि मैं किराए से जरूर रह रही हूँ, लेकिन मतलब कम से कम ये तो है कि मेरे मन में ये नहीं है कि अभी ये उतार चढ़ाव ये चल रहे हैं, मतलब दुनिया भर की ये टेंशनें चल रही हैं, अभी और ये होना चाहिए अभी वो होना चाहिए, मुझे ये लगता है कि मैं जितने में रह रही हूँ मेरे लिए वो मेरे हिसाब से पर्याप्त है जी, जी। है ना, तो संतोष यही है। अब रही समृद्धि की बात, तो जैसे कि देखा जाए मतलब लोग ऐसे जैसे हम लोग अगर मॉल वॉल जाते हैं, कई लोग मतलब साथ में जाते हैं, बोले यार नहीं आप ले लीजिए आप ले लीजिए, अरे भाई क्या करना लेके, ये बताओ 2 साल से जो हमारा स्वेटर चल रहा है आज भी वही चल जाएगा है ना, ये अपनी समझ, पहले हमें अपनी समझ बनानी चाहिए सर अगर आपसे मैं कहूँ कि समृद्धि के लिए है ना, समृद्धि के लिए सिर्फ सुविधा से काम चल जाएगा या सुविधा के साथ साथ आवश्यकता को भी पहचानना पड़ेगा, ये दोनों जरूरी। आवश्यकता आवश्यकता बहुत जरूरी है, सुविधा तो पहले जब आवश्यकता होगी जी, आवश्यकता के अनुसार ही हमें सुविधा बनानी पड़ेगी, तो पहले आवश्यकता की पहचान फिर उसकी पूर्ति, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, मैं इन जनरल थोड़ा एक प्रश्न पूछ के देखता हूँ सभी लोगों से, चैट विंडो पे रिप्लाई लेंगे करेंगे, तो हम में से कितने लोगों को ये पता है कि उनके पास घर में उनके कितने जोड़ी कपड़े हैं, थोड़ा चैट विंडो पे यस और नो में रिप्लाई कर दे जी। बिल्कुल सर, मेरे पास
अभी 18 जोड़ी कपड़े 18 जोड़ी बिल्कुल सही, कल मैंने गिनती की थी 18 जोड़ी कपड़े हैं। और मैं हकीकत बताऊं इस साल मैंने कपड़े लिए ही नहीं है क्योंकि मेरी आवश्यकता के अनुसार बहुत है, बहुत है, बहुत है, मुझे मुझे जरूरी नहीं है। कल ये बात आई थी तो मैंने कल ही गिनती करके रखी कि आखिर मैं देखू तो क्या, अभी हमने देखा नहीं। जैसे कहा कई लोगों ने कहा कि मतलब हमारी अलवारी देख रहे हैं कि अभी मतलब भरी रखी है और शादी जाने के लिए लगता है कि नहीं ये कपड़े सही नहीं है अभी और दूसरा लेने चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है मेरे यही कपड़े पर्याप्त है, मुझे लेना नहीं है क्योंकि सुविधा के अनुसार मेरे ये कपड़े पर्याप्त है, मुझे क्या करना है। तो अभी जो कल मैं बात कह रहा था ना बेबी जी की, बहुत सारे घरों में दो बात के लिए इकट्ठे झगड़ा होता है। जी जी, एक तो शादी में जाना है तो लगता है पहनने के लिए कपड़ा नहीं है जी सर, और अगले दिन इस बात पे झगड़ा हो रहा था कि कपड़े इतने हो गए रखे कपड़े कहां, अलमीरा नहीं। बिल्कुल ये दोनों कई जगह एक साथ होते हैं कई जगह ये कई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कई परिवारों में कि ये सामने खुलाती है चीजें। जी, रामकेश जी कुछ कहना चाह रहे, सुरेंद्र श्रद्धा जी भी कुछ कहना चाह रही। जी नमस्ते, नमस्ते नमस्ते जी जी, रामकेश जी को सब का मंगल शुभकामनाएं और सर सुप्रभात। जी 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 जी, जी नमस्ते। बहुत देर से सोच रहा था कि मुझे कब बोलने का मौका मिलेगा, दो बार पिंडू बंद भी किया इसको, माइक अनम्यूट भी किया और सर बहुत अच्छी बात सुन रहा था। और जैसे अभी बात आ रही थी कि संतोष और समृद्धि, तो सर क्या मानना है कि संतोष आवश्यक है? जैसे मैं खुद की एक इंसिडेंट का भी चर्चा करूं, जैसे इसके पहले अभी रेफरेंसर प्रोग्राम में भी था आनंदम का भोपाल वाल्मी में, तो ये जिक्र आया था कि संतोष जब हमें मिलेगा तब कहीं जाके हम समृद्धि को किस स्तर पर नाप पाते। जैसे मैं आपको एक छोटी सी अपनी खुद की बात कहूं जीवन की, जैसे मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी माता जी सरपंच है, फिर से वो सीट रिपीट हुई। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं आपको फिर से चुनाव लड़ना चाहिए, माता जी को लड़वाना चाहिए, वो और मुझे लगता था कि जैसे मैं प्रधान हूँ तो मेरी वो समृद्धि है। परंतु सर अब इस दायरे को जब जानना की आवश्यकता मेरी क्या है, मैं शिक्षक हूँ, आनंद के साथ खुद जीऊं और समाज को जीवाऊं, तब कहीं जाकर ये निर्णय कर पाया कि नहीं अब ये चीज मेरे से नहीं हो पाएगी, मुझे नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि समृद्धि मेरी वो नहीं है। मेरी समृद्धि मैं आनंद हो जाऊं और मेरे परिवार को सुखमय कर पाऊं। तो मुझे इस ये लगा कि मेरा जो दायरा है सर सोच का वो संतोष का, मैं कहना चाहिए संतोष का दायरा, मुझे समझ में अब आया कि संतोष का दायरा वो भागम भाग नहीं है। मुझे लगता मैं ये कर पाऊंगा तब कहीं जाके मेरी समृद्धि वो ये कि चाहे मैं जिसमें संतोष कर जाऊं, माने समान में मुझे लगता कि दो में ही समृद्ध है, यानी कि मैं शिक्षक में ही समृद्ध हूं, तो मुझे लगता कि मैं बहुत अच्छे करूं तो मुझे और चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे नहीं, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आपकी बात से, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक कहावत है ना कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाए। जी बिल्कुल सर, और वो ये सर चादर के साथ हमें तो लगता है कि पैर उससे निकल भी और लंबी चादर हो सकती है, लेकिन उस लंबी चादर करने के लिए हमें असंतोष के साथ भागना पड़ेगा। चादर तो लंबी हो सकती थी परंतु उसके लिए फिर हम पर वो असंतोष वाली जो स्थिति होती कि हम यहाँ से अर्न करेंगे वहां से अर्न करेंगे, मतलब जो संतोष शब्द है उसका कहीं सार्वभौमिक अर्थ हम छोड़ रहे हैं। वही तो उसी को मैं कह रहा हूँ कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाए, या जितना बड़ा शरीर है उससे थोड़ा बड़े चादर की व्यवस्था कर ले, दोनों में कौन सा ठीक लगता है? मुझे लगता है कि सर जितनी चादर है उतने ही पैर फैला लेने तो सो पाएंगे आराम से क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जितनी चादर है, चादर छोटी है शरीर बड़ा है, तो सो पाएंगे आराम से। उसको फिर हमें अपने संतोष के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि हम इसको कैसे अपने में ले पा रहे हैं, क्योंकि उतना मैं यहाँ जो बात कह रहा हूँ ना, मैं बात दूसरी कह रहा हूँ, फिर मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम अपनी आवश्यकता को पहचान ले, अर्थात हम अपने शरीर की लंबाई को देख ले जी, और उससे थोड़े बड़ी चादर की व्यवस्था कर लें। इतना तंगी में भी जिंदगी क्यों बिताना? जी जी जी, है ना। तो हम जो अपने शरीर के लंबाई चौड़ाई को देखकर उससे थोड़े बड़ी तंबू में थोड़े सोएंगे, टेंट में थोड़े सोएंगे, चादर की सीमा होगी ना। तो चादर की सही सीमा क्या है? जितनी बड़ी हमारे शरीर की लंबाई है उससे थोड़े बड़े चादर की हम व्यवस्था कर सके, उसको पहचान सके, ये आवश्यकता की पहचान है, और उतने बड़े चादर को जुटा सके। बिल्कुल, है ना। तो ये कह, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी आवश्यकता तो चार रोटी की है लेकिन दो जुटा पाए हैं तो दो में ही काम चलाएं। नहीं नहीं, उससे ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर हमको चार रोटी की भूख है तो हम चार से अधिक जुटा पाए, है ना, चार अपने लिए भी, कोई गेस्ट आ गया तो कभी एक दोस्त को भी खिला पाए।
बिल्कुल बिल्कुल सर, तब कहीं संतोष मिलता है, तब जाकर के ना वो जो भाव है वो हमको संतोष की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते महेंद्र जी, आस्था से महेंद्र तोमर बोल रहा हूँ भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, मैं कुछ एक चीज पूछना भी चाह रहा हूँ और कुछ बातें भी आपसे करना चाह रहा हूँ। जी जी। जैसे इतनी देर से बातें चल रही कि भाई जितनी जरूरत है उतने ही करें, जितनी जरूरत है, किसी ने कोई कहा कि एक मकान है, उनके चार चार मकान बनाने की प्लानिंग है, या है कोई एक गाड़ी खरीद लेता है वो चार गाड़ी, तो एक चीज हो गई है महत्वाकांक्षा बढ़ना। जी, इसमें आदमी की महत्वाकांक्षा ज्यादा है। और एक चीज होती है कि यदि उससे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए यदि आदमी कर रहा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब एक तरफ हम समृद्ध हो रहे हैं तो हमारी अच्छी बात भी होती है, समृद्धि समृद्ध होना भी कहीं से कहीं तो बुरा ही उसमें है नहीं कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा लें। और एक चीज होती है महत्वाकांक्षा, तो महत्वाकांक्षा तो बुरी होती है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के भी आदमी बढ़ा रहा है अपने को, कुछ भी बढ़ा रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, चार गाड़ी दस गाड़ी कर ली और उससे इनकम बढ़ रही, तो उसमें कहां बुराई है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं इसको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ महेंद्र जी। बहुत अच्छा आपने व्यवहारिक प्रश्न उठाया, आपने व्यवहारिक प्रश्न उठाया, मैं उसको एकदम उत्तरित करने में खुशी महसूस करूंगा। मैंने हाँ हाँ जी महेंद्र जी, तो पहली बात मैंने ये कहा कि आवश्यकता का पहचान है ना, कि हमारे घर में कितनी सुविधा की आवश्यकता है उसको पहचानना, वो एक व्यक्तिगत। हाँ, मैं पूरा करता हूँ आपके 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 प्रश्न को, आपके प्रश्न को पूरा करता हूँ साथ साथ। जी जी, तो पहली बात तो है आवश्यकता को पहचान लेना, और दूसरी बात है उसकी पूर्ति करना, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, और अपने इनकम के स्रोत को भी बढ़ाना। आप कह रहे इनकम के स्रोत को बढ़ाना, ठीक, तो उसके लिए कुछ हमने किराए पे लगा दिया या जो भी किया है ना। हाँ हाँ। तो आपके प्रश्न को अभी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, है ना, फिर हम लोग उत्तर पे बात करेंगे, बस वन मिनट। के स्रोत को बढ़ाना, ये तीन बातें हो गई ना, दो बातें मैंने कही, तीसरी बात आपने जोड़ी, ठीक। अब इसको देखते हैं, ये जो इनकम का स्रोत बढ़ा, इससे क्या होगा? पूर्ति होगी किसकी? आवश्यकता जो हमने पहचाना है। तो ये तो पूरा होगा समझ से, आवश्यकता की पहचान तो समझ से होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो समझ से आवश्यकता हमने पहचान ली कि 10 जोड़ी 20 जोड़ी जो भी है, आप और उसको डिटेल थोड़ा सा कर दें। बस बस एक मिनट, पहले मैं आपके प्रश्न को स्पष्ट कर लूं फिर जोड़िएगा। हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और क्रूशियल प्रश्न है, तभी मैं आपके प्रश्न को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी उत्तर नहीं दे रहा हूँ मैं। तो 10 जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है, अब उसकी पूर्ति तो कपड़े से ही होगी ना, अब उसके लिए कुछ चाहिए, तो हमने स्रोत बढ़ा के 10 जोड़ी कपड़े जुटा लिए, 12 जोड़ी जुटा लिए, है ना, तो स्रोत वहां काम। अब उसमें जो बात है देखेंगे ना, हमने अब मैं थोड़ा उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने स्रोत को बढ़ाया, आवश्यकता हमारे पहचान में है, तो जितनी आवश्यकता है उतने की पूर्ति कर ली। अब हमारे पास धन बचने लगता है ना, ये जो धन बचा है ना, इसका हम भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं के समय सदुपयोग करते हैं, औरों के दुर्घटनाओं में उसका सदुपयोग करते हैं, अन्य सामाजिक उसमें व्यवस्था के लिए सदुपयोग करते हैं, हाँ सब साफ करते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता की पहचान ही नहीं की है, तो चाहे जितना स्रोत बढ़ा ले, वो बहुत सारी सुविधाएं खरीदने में ही लग जाता है। बल्कि अगर 10-50 हजार का इनकम घर में आ रहा है, तो लोन लेकर के वो सुविधाएं इतनी खरीद लेता है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रहती। अब वो देखेंगे तो भविष्य में कोई दुर्घटना होती है, अनिश्चितता आती है, तो खुद ही दरिद्रता महसूस करने लगता है। हाँ, दूसरे के पास दूसरे का सहयोग करना तो छोड़ दीजिए, समाज में के लिए सोचना तो छोड़ दीजिए, है ना। तो अभी देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोग आप ऐसे पाएंगे 1-1 लाख रुपया महीने का कमा रहे, लेकिन 60 हजार का मंथली EMI भर रहे, 35-35 साल 1-1 करोड़ का लोन लिए बैठे, जस्ट बिकॉज की आवश्यकता पहचानी नहीं है। मैं उदाहरण बताऊं, एक स्टूडेंट मेरा पास आउट हुआ, उसका लगभग 1 लाख रुपए कुछ कोई 1 लाख कुछ रुपए मंथली की जॉब है उसकी। अब उसने 1 करोड़ का घर खरीद लिया है नोएडा में, परेशान। अब उसमें उसका लगभग 55 हजार के आसपास तो उसका EMI जाता है, लगभग ब्याज व्याज मिला 35 साल तक का है उसका, है ना। और 2 लोग रहने वाले हैं, बाकी लोगों के घर अलग अलग बने हैं, बिल्कुल। तो अब चूंकि आवश्यकता पहचान में नहीं आई, तो स्रोत कितना भी बढ़ गया, समस्या वहीं की वहीं खड़ी रही, अपने लिए भी
और जो सहयोगी होना था दूसरों के लिए वो भी नहीं हो पाए, समाज की सदुपयोगिता के लिए जो सोचना था वहां भी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए स्रोत से जोड़ सकते हैं क्या भैया? जी जी, तो महत्वाकांक्षा से तब जुड़ा जब हमने आवश्यकता को नहीं पहचाना, बिल्कुल, और हमने उस घर को बनाया सम्मान पाने के लिए। हाँ, अपना एक ईगो सेटिस्फेक्शन, हाँ, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी को दिखाने के लिए कि हमारे पास तुमसे बड़ा घर है, मकान है जी। ये फिर जो देखेंगे तो ये महत्वाकांक्षा कह ले, अहंकार कह ले, लोगों का ध्यान पाने के लिए ये कर रहे हैं, ये दिखता है, है ना। लेकिन अगर आवश्यकता पहचान लिया तो हम उसकी पूर्ति करते हैं। शेष धन हमारे भविष्य की दुर्घटनाओं के लिए, दूसरे के सहयोग दुर्घटनाओं में सहयोग के लिए, या फिर क्या कहते हैं, सामाजिकता में कुछ सदुपयोग के लिए लगाते हैं। तो स्रोत बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, आवश्यकता का ठीक ठीक पहचान न होना। हाँ, कहीं कहीं मतलब यदि आप सोर्स ऑफ इनकम या उसमें आपके मन में एक वो ही नहीं रहेगा भाव बढ़ने का बढ़ाने का, तो आप एक सेटिस्फेक्शन भी चीज मेरे हिसाब से कहीं कहीं जाकर के गलत हो जाती है कि भैया फिर वो आदमी एक निचला टाइप हो जाता है। आपके प्रश्न को मैं थोड़ा और अब गहराई से उत्तर देना चाहूंगा, आप थोड़ा और गहराई में पड़ गया है ना। अब आप देखेंगे ना तो तीन आवश्यकता है, एक समझ, एक संबंध और एक सुविधा। सुविधा तो आप स्रोत सिर्फ सुविधा बढ़ाने के तरफ ध्यान दे रहे हैं कि इन दोनों के स्रोत पे भी ध्यान दे रहे हैं, है ना। आदमी को लगता है सुविधा वाले स्रोत पे नहीं ध्यान दे रहे हैं तो जिंदगी रुक जाती है, वो तो ध्यान देना है, लेकिन संबंध का भी हमारा स्वीकृति और फैलाव हो रहा है कि नहीं, समझ भी बढ़ रहा है कि नहीं, ये तीनों का स्रोत बढ़ना जरूरी है या खाली सुविधा से काम चल जाएगा। अभी जिंदगी जाके वापस फिर वही उलझ जाती है, आदमी को लगता है कि सुविधा का गोला अगर बड़ा नहीं हो रहा है तो जिंदगी रुक गई, है ना। जबकि वास्तविकता क्या है कि अगर हमने सुविधा की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचान लिया और उसको पूरा करने लग गए तो फिर हम ये देख पाते हैं कि बहुत सारा समय हमारे पास बच रहा है, अब हम संबंध पे लगा सकते हैं, सुविधा पे समझ पे लगा सकते हैं, दूसरे भी समृद्धि के भाव से जी सके उस पे लगा सकते हैं, अपने परिवार से लेके विश्व परिवार तक की सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि संबंध का भाव का फैलाव वहां तक जाता है, पूरी धरती का सोचना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो विकास रुकेगा थोड़े, विकास सही रहने में होना शुरू होगा। एग्जैक्टली, तो हमको हम ये देख पाते हैं कि हम 8 घंटा लगा के अपने परिवार की समृद्धि सुनिश्चित कर पा रहे हैं, अब हमारे पास 4 घंटा अधिक है। हाँ, अब हम संबंध को जो फील कर रहे हैं उनके समृद्धि का भी सोच पा रहे हैं, पूरे समाज मोहल्ले की व्यवस्था के बारे सोच पा रहे हैं, जिले की व्यवस्था के बारे सोच पा रहे हैं, पूरे समाज में पूरी पृथ्वी पे व्यवस्था के बारे सोच पा रहे हैं, तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, कहाँ रुकेगा, ये तो और गहराई से बढ़ेगा। ये आपका उत्तर फिर उधर मैनेजमेंट तरफ से नहीं चला जा रहा है कि अपन इसमें एक अपना एक मैनेजमेंट रहे समय का, सारी चीजों का, कि बल्कि हमारा उत्तर इस तरफ जा रहा है कि बल्कि हमारा उत्तर इस तरफ जा रहा है ना, कि जब आदमी जीव चेतना से सोचता है तो लगता है सुविधा में वृद्धि करना ही कंप्लीट विकास है, जब मानव चेतना से आदमी सोचता है समझ संबंध सुविधा तो तीनों में विकास होने को विकास के रूप में देख पाता है। तो अपने घर की समृद्धि के साथ साथ अपने सभी परिचितों के अपरिचितों की समृद्धि का भी सोच पाता है ना? और इस समझ को जो उसको हुआ है वो अपने साथ साथ औरों के लिए भी उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता है, जी, है ना? बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए इस स्रोत को जो बढ़ाना है वो तीनों स्रोत को बढ़ाना है ना, समझ वाले भी, संबंध वाले भी और सुविधा वाले भी। सुविधा वाला और सुविधा वाले में आवश्यकता पहचान आ जाए तो फिर एक समृद्धि का भाव बनता है, हम संबंध को और फैला करके जी पाते हैं पूरी पृथ्वी तक। हम कई कई अरबपतियों को भी देखते हैं कि उनकी जो आवश्यकता है वो बहुत मिनिमम रहती है ना, 5 जोड़ 10 जोड़ कपड़े वगैरह, ये छोटी सी चीजें हैं, ये तो इनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है, वो बहुत ही उसमें रहते हैं। और उनके आप अरबपति क्या खरबपति आप उनको बोल सकते हैं, मिलीनियर की भी मिलीनियर और बिलीनियर बोल सकते हैं, वो उन लोगों की भी आवश्यकताएं बहुत कम रहती है, लेकिन वो विकास करते रहते हैं। क्यों करते हैं? तो आपने कहा कि वो उससे दूसरे के भी घर जले, दूसरों को भी सुविधाएं मिले, इसलिए भी लोग करते हैं। एग्जैक्टली, और वो तो करना ही पड़ेगा ना, पृथ्वी पर हर परिवार समृद्ध हो सके, हर परिवार में न्याय पूर्वक जीने की योग्यता विकसित हो सके, बात तो वहां तक। अच्छा, ये तभी होगा ना जब हम तीनों की आवश्यकता महसूस कर पाए, समझ संबंध और सुविधा तीनों।
अगर हमने सारा विकास सिर्फ सुविधा पे जोड़ लिया है तो हम पूरी दुनिया का शोषण करके अपना घर भरने में लग जाएंगे और वो कभी भरेगा नहीं, क्योंकि गिलास का पेंदी टूटा हुआ है। बस बस वो सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा कि समझ, यदि हमने समझ को ही समझ लिया तो बस सारी चीजें समझ में आ जाती है। एग्जैक्टली, इसलिए आवश्यकता का पहचान महत्वपूर्ण काम है आदमी के लिए, जो समझ से होगा जी जी, और उससे विकास रुकेगा नहीं, सही मायने में विकास होना शुरू होगा और होना भी चाहिए, वो बढ़ना भी चाहिए। और ये हम सभी शिक्षा से जुड़े लोगों का जिम्मेदारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है हमारा, कि कहीं ना कहीं हमने समृद्धि को जो है ना सुविधा संग्रह मान के है ना एक लूप में जो फंस गए हैं लोग, वो निकल पाए, खुद भी निकल पाए औरों को भी निकाल पाए, तब पृथ्वी सजेगी, देश सजेगा, घर सजेगा, है ना। घर को कूड़ा घर बना करके थोड़ी सजेगा, पत्थरों का जंगल बना करके थोड़ी सजेगा। रिलेशनशिप जरूरी है, संबंध जरूरी है। अभी हम सुविधाएं बढ़ा रहे हैं संबंधियों को जलाने के लिए। हाँ, वो ईगो वाली चीजें जो आ जाती है, क्योंकि अगर हमारी बढ़ती हुई हमारी सुविधा के साथ संबंधी खुश नहीं हो रहे। हाँ, इसमें मैं मुझे यही लग रहा था कि ये महत्वाकांक्षा शब्द क्यों छूट रहा है, क्यों नहीं आ रहा है भैया के इसमें। एग्जैक्टली, क्योंकि आदमी के मन में तो महत्वाकांक्षा ज्यादा रहती है, उसको कहीं से कहीं मतलब नहीं है कि मेरी समझ क्या है, मेरे संबंध क्या है, मेरी सुविधाओं की आवश्यकता कितनी, उससे कोई मतलब नहीं होता है। एक शब्द पे काम करता है आदमी, महत्वाकांक्षा, इससे आगे निकल जाऊं, उससे आगे निकल जाऊं, वो जो चीजें रहती है बस वही तो तकलीफ देती है, वही दुख भी देते हैं। फिर वो जब आपके पूरे नहीं होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें, तनाव वगैरह सब उसी से आते हैं। मैं आगे तो किसी से निकल गया, लेकिन प्रक्रिया में दुखी रहा, द्वेष में रहा, विरोध में रहा, और आगे निकल के भी, आगे भी किसमें, सुविधाओं में आगे निकल गया। उसके पास 6 कमरे थे, मैंने 8 बना लिए, बस बस बस, लेकिन इस पूरे में मैं दुखी रहा और आगे भी दुखी रहा, तो आगे निकला कि पीछे गया। हाँ, फिर तो पीछे रहना है भाई, तो सुविधाओं में भले आगे गया, सुख में आनंद में पीछे हो गया। एक चीज और बोलूंगा भैया कि जैसे हम आजकल जो एक है कि हमारी लाइन हम बड़ी करने के बजाय हम दूसरे की लाइन को छोटी करके अपनी लाइन बड़ी बनाना चाहते हैं भाई, लेकिन आपकी बात पे मैं जोड़ूंगा कि सिर्फ सुविधा की लाइन ना बढ़ाएं, सिर्फ सुविधा की लाइन या सुविधा समझ संबंध तीनों का लाइन एक साथ आगे बढ़ेगा तो विकास है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया भैया बात करके। जी महेंद्र जी, नमस्ते भैया। नमस्ते विजय जी, नमस्ते, आपको बहुत धन्यवाद, आपसे काफी कुछ समझ मिल रही है इस समय। एक बात थोड़ा सा मैं जोड़ना चाह रहा हूँ समृद्धि के स्तर पर, जो हमारे एक मित्र ने जो है स्वयं के लिए घर, उसके बाद आय के स्रोत में किराए के लिए घरों की बात करी, इससे और आगे जाके मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग हम संपत्ति का हस्तांतरण होता है जमीन जायदाद के रूप में जो हमें अपने पूर्वजों से मिली, इसी तरीके से हम भी जो दे के जाना चाहते हैं या उसके लिए जो करते हैं, वो समृद्धि का किस तरीके से समझना चाहिए। ठीक से देखेंगे ना, तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि दो मुख्य बातें हैं समृद्धि के लिए, सुविधा की आवश्यकता का पहचान होना, है ना, ये पहचान होना, और जितनी सुविधा आवश्यक है उसके लिए पूर्ति, है ना। तो आवश्यकता का पहचान तो समझ से ही होगा, पूर्ति को देखेंगे तो हम खुद उत्पादन करके पूर्ति कर सकते हैं, हमारे जो वो है क्या कहते हैं कि बड़े लोग हैं, है ना, दादाजी पिताजी, उनके द्वारा कुछ हमको सहयोग इसमें मिल सकता है, हमारे मित्रों का कुछ सहयोग मिल सकता है, व्यवस्था का कुछ सहयोग मिल सकता है, उन सब से हम इस सुविधा की पूर्ति को कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हमारे पास समझ ही नहीं है कि हम अपनी आवश्यकता को पहचान पाए, तो ग्लास का पेंदी ही गायब है, टूटा हुआ है, है ना। तो चाहे हमारे पूर्वज कितना भी भर के चले जाए, हम चाहे कितना कमा लें, या व्यवस्था हमको कितना भी सहयोग कर दे, हम में दरिद्रता का भाव तो वैसा ही बना रहता है कि कम है कम है कम है, और चाहिए और चाहिए, तो समृद्धि का भाव आ नहीं पाता है। इसलिए आप जो बात कह रहे हैं वो पूर्ति में तो सहायक हो सकता है, चाहे स्रोत बढ़ाना इनकम के, या दूसरों से मिलना, किसी का सहयोग मिलना, या खुद के द्वारा उत्पादन, ये पूर्ति में सहायक है, लेकिन सुविधा की आवश्यकता तो हमको अपने समझ से ही पहचान में आएगा। अगर वो नहीं पहचाना है तो बाकी जगह से कितना भी सहयोग हो जाए, हमारी दरिद्रता खत्म नहीं होती, ये कहना चाहता हूं मैं। जो पीढ़ियों के हस्तांतरण वाली जो बात हो जाती है कि अपन, हमें जो मिला वहां से हमने स्टैंड किया तो एक जल्दी स्टैंडिंग हो गई, तो अपन किसी जो छोड़ के जाना चाहते हैं या अपन देके जाना चाहते हैं, तो छोड़ के सिर्फ सुविधाएं जाना चाहते हैं कि अगली पीढ़ी में समझ भी छोड़ के जाना चाहते हैं,
नहीं समझ भी छोड़ के जाना चाहेंगे जो जो हमें मिल रही है वो तो आगे बढ़ा एग्जैक्टली तो दोनों में पहले किसको सुनिश्चित करें समझ वाली बात को करेंगे लेकिन अगर इसको अभी देख रहे हैं तो अपने साथी को ही साथ नहीं ला पा रहे हैं तभी तो ऐसा लग रहा है कि समय लगेगा समय लगेगा एग्जैक्टली समय तो लगेगा ही और अभी भी जहां खड़े हैं बहुत सारा समय लगा के ही वहां खड़े हुए हैं है ना जी, जी तो बढ़िया तो समृद्धि के लिए देखेंगे तो बात कह रहे हैं कि सुविधा की आवश्यकता को पहचानना और जितनी हमारी सुविधा की आवश्यकता है उससे अधिक को सुनिश्चित करना ये दोनों बातें आवश्यक है तो हमें समृद्धि का भाव आएगा ऐसा मेरा प्रस्ताव है आपसे अपेक्षा है कि इसकी जांच परख करते रहें और इसकी जांच परख को व्यावहारिक तौर पे भी करके देखें कि क्या मैं अपनी आवश्यकता को पहचान सकता हूं है ना मुझे कितने जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है क्या मैं ये पहचान सकता हूं मुझे कितने जोड़ी जूतों की जरूरत है क्या मैं ये पहचान सकता हूं मुझे कितने कमरों के घर की आवश्यकता है क्या मैं ये पहचान सकता हूं मेरे को वास्तव में घर में कितने बर्तनों की आवश्यकता है क्या मैं पहचान सकता हूं और अगर मैं उसको पहचानने जा रहा हूं क्या कठिनाई है उसमें उन कठिनाइयों को उठाना चाहिए और यहाँ फोरम पे चर्चा करना चाहिए तो मैं आज सिर्फ इन प्रश्नों को उठाया हूं और अपेक्षा है कि आज दिन में जो भी प्रश्न आपके मानस में बने कि कपड़ा पहचानने जाएंगे आवश्यकता को तो ये कठिनाई आएगी बर्तनों की संख्या को सुनिश्चित करने जाएंगे पहचानने जाएंगे तो ये कठिनाई आएगी मैं उन कठिनाइयों पर चर्चा के लिए आप लोगों के प्रश्नों को आमंत्रित करूंगा आज से लेकर अगले 4 दिन तक आप उन प्रश्नों को बार 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 उठा सकते हैं है ना और इस बात को हम लोग तय कर सकते हैं कि समृद्धि के लिए सुविधा की आवश्यकता और उसकी उपलब्धता अर्थात समझ और सुविधा दोनों जरूरी है या बिना समझ के बिना आवश्यकता को पहचाने सिर्फ सुविधाएं जुटा के समृद्धि हो सकती है क्या और हमारी आवश्यकता हम तय करेंगे या दूसरों के आधार पर तय होगा अर्थात मेरे घर में सुविधाएं मेरे घर की आवश्यकता से अधिक हो या दूसरों के घर से अधिक हो इन सारी बातों को आप लोग से अपेक्षा है कि इस पर विचार करें हम लोग आगे फिर से लौट के इस पर चर्चा करेंगे जितनी बातें मैंने उठाई हैं उन पर आप एक बार उसकी व्यवहारिक तौर पर उसकी जांच परख करें और व्यवहारिक कठिनाइयों को इस फोरम पे जरूर उठाएं मैं थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ा देता हूँ तब तक भैया नमस्ते आप एक मिनट सुरेंद्र जी थोड़ा मैं आपको होल्ड करूंगा आरपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी आरपी सिंह ये कह रहा था कि समृद्धि और सुविधा संपन्न दो अलग अलग बातें हैं क्या लोगों का इसमें एक पोल एक राय ले सकते हैं हाँ एक पोल ले लिया जाए एक पोल अभी ले लिया जाए फिर हम लोग अभी सुरेंद्र जी के बात को सुनेंगे जी ये पोल है इसको आप लोग उत्तर दें तब तक हम लोग सुरेंद्र जी की बात को सुन लेते हैं नमस्ते सुरेंद्र जी नमस्ते सुरेंद्र सिंह जी आप अपनी बात अब कह सकते हैं जी भानु भैया बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर और एक प्रश्न मेरा मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था लेकिन मैं लेट हो गया संबंधों में जो समझ की बात हम कर रहे थे उसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए प्लीज तो और कल का हाँ सुरेंद्र भैया कल का पूरा दिन जो है ना संबंधों के ऊपर परिवार व्यवस्था में ऊपर चर्चा करने पे लगाएंगे अच्छा जी जी कल का पूरा दिन जी जी भैया तो उसमें फिर आपका ये प्रश्न और सटीकता से उत्तरित हो जाएगा अभी मैं सिर्फ एक लाइन कह दूंगा आपके प्रश्न के संदर्भ में कि संबंध सिर्फ सुविधाओं के आदान प्रदान से चलेगा या सुविधा के साथ साथ भाव के आदान प्रदान भी उसमें आवश्यक होगा क्या लगता है आपको भाव का आदान सुविधा का आदान प्रदान भी और भाव का भी है ना तो वो भाव जी, कौन से होंगे विश्वास का भाव सम्मान का भाव स्नेह का भाव ममता का भाव वात्सल्य का भाव ऐसे भाव बहुत सारे होंगे है ना और जी, भाव के आदान प्रदान के लिए भाव को समझना जरूरी होगा या बिना भाव को समझे भाव का आदान प्रदान हो सकता है भाव को समझकर है ना तो जैसे विश्वास एक भाव है जी, सम्मान एक भाव है हम बचपन से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन क्या हम विश्वास के भाव को समझ पाए हैं वैज्ञानिक तौर पर और हम कह सकते हैं कि इन लोगों के साथ विश्वास है क्योंकि ये टेस्ट पास होता है ये इन लोगों पे विश्वास नहीं है है ना या ये सम्मान है ये सम्मान नहीं है है ना या आज हमको सम्मान कुछ और लगता है 10 साल बाद कुछ और लगता है
और अगर वास्तव में समझ लिया तो ये बदलता रहेगा कि एक जैसा रहेगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न इन भावों को लेकर हमारे भीतर हैं। कल हम लोग इन भावों पर बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, तो आपका प्रश्न इसमें समाहित होगा, ये कहना चाहता हूँ सुरेंद्र भैया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आरपी सिंह जी? हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। सुरेंद्र जी लगता है दोनों अलग अलग चीजें हैं, समृद्धि अलग है और सुविधा का होना अलग अलग बात है, तो लोगों की तरफ से निकल के यही आ रहा है। जी जी जी, बढ़िया। तो पोल को आप लोग रिस्पॉन्ड करने का अवश्य कोशिश करें, क्योंकि आपके अटेंडेंस की मॉनिटरिंग भी जो सॉफ्टवेयर है इस पोल के रिस्पॉन्स के आधार पर करता है, तो वो भी उसमें काउंट होता है। तो किन्हीं को पोल को रिस्पॉन्ड करने में कोई कठिनाई हो तो ब्रेक के दौरान जो टेक्निकल टीम है उससे जरूर बात कर लें, है ना, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आपके अटेंडेंस को काउंट करता है, कोई व्यक्ति नहीं करता है वहां पर, तो उसमें वो पोल के आपके रिस्पॉन्सेज को भी काउंट करता है सॉफ्टवेयर। जी, अभी लगभग 92 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है 138 लोगों में से, तो 66% लोग पोल काउंट में पार्टिसिपेट किए हैं, तो सॉफ्टवेयर उन लोगों का मार्क करेगा इस समय पे परसेंट को। जी जी भैया, तो ठीक है, अभी तो दिख रहा है कि इसमें मोर देन, अगर दोनों को जोड़े सहमत और दृढ़ता से सहमत को, तो कितना परसेंट आ रहा है आरपी सिंह जी? हम लोग थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ा लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। जी, तो अभी तक जितनी बात हुई, अगर उसकी समरी को देखें, तो हम लोग मानव की मूल चाहना को सुख और समृद्धि के रूप में पहचाना, कि मानव अर्थात हमारी जो मूल चाहना है सुख समृद्धि और इसकी निरंतरता है। वास्तव में जो कुछ भी हम कर रहे हैं इन्हीं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। अंतर इतना है कि सुख और समृद्धि को समझकर इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं कि बिना समझे इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, कुछ मानकर इनके बारे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सुख के बारे हम लोगों ने जो चर्चा की उसका निष्कर्ष ये लगा कि हारमोनी में व्यवस्था में होना सुख है। समृद्धि के बारे जो चर्चा की उसका निष्कर्ष हम लोगों ने ये निकालने का प्रयास किया कि सुविधा की आवश्यकता हमको जितनी है उससे अधिक को सुनिश्चित कर लेना, उससे अधिक का उत्पादन कर लेने का भाव, सुनिश्चित हो पाने का भाव ही समृद्धि का भाव है। तो मानव की मूल चाहना के बारे में हम लोगों ने अभी तक इतनी बात की, है ना। कुछ कुछ मान्यताएं हैं सुख और समृद्धि के बारे में, जैसे बात कर रहे थे हम लोग कि सुविधा संग्रह को ही समृद्धि मान लेते, है ना, ऐसा लगने लगता है कि जितना सुविधा संग्रह हो जाएगा हम उतना समृद्ध होते जा रहे हैं। तो ये हम लोग के हिसाब से तो मान्यता है, लेकिन आप इसकी जांच कर लें, क्योंकि हमारे हिसाब से तो आवश्यकता अगर ठीक से स्पष्ट हो जाती है तो उससे अधिक को सुनिश्चित कर लेना समृद्धि है। बिना आवश्यकता को पहचाने सुविधा भरते जाना ये सुविधाओं का संग्रह है, समृद्धि नहीं। लेकिन आप माने नहीं, इनकी जांच परख कर लें। ऐसे ही सुख के बारे भी कुछ मान्यताएं हैं कि दुख के बिना दुख के सुख कैसे समझ में आ सकता है, है ना, तो इसको जांच करें थोड़ा, जैसे देखें, है ना, कि अगर आपका सम्मान किया जा रहा है तो उसका सुख आप महसूस करते हैं। ऐसा थोड़े है कि जब तक आपका अपमान ना किया जाए तब तक आपको सम्मान समझ में नहीं आएगा। सम्मान तो सीधे सीधे समझ में आता है, उसके लिए अपमान करना कोई आवश्यक तो है नहीं, है ना। ऐसे ही एक मान्यता है कि सुख और दुख तो धूप की छांव की तरह चलते रहेंगे, है ना, तो इसको ठीक से देख सकते हैं कि जो सुविधा या सुविधा से मिलने वाला संवेदना से जो सुख मिल रहा है, है ना, या एक्साइटमेंट को जो सुख मान लिए हैं उसमें तो धूप छांव चलता रहेगा, क्योंकि एक्साइटमेंट की कंटिन्यूटी नहीं है, संवेदना से मिलने वाले सुख की कंटिन्यूटी नहीं है। तो रसगुल्ला खाएंगे तो बोर होंगे तो नमकीन खाएंगे, नमकीन के बाद मीठा खाएंगे, तो इस एक्साइटमेंट वाले लूप में तो सुख दुख साथ साथ ही चलेगा। लेकिन जो अपने में भाव सुनिश्चित करने वाला है, अपने में समझ सुनिश्चित करने वाला है, इसका सुख हमारे अंदर निरंतरता में बना रहता है। आप इन दोनों पे जांच करते रहे, ये सब प्रस्ताव है हम लोगों की तरफ से,
कई बार आदमी को ऐसा लगता है कि सुख की निरंतरता हो गई तो कहीं हम बोर तो नहीं हो जाएंगे, तो आप इसको जांच के देख लें। इस संदर्भ में तो ये बात ठीक लगती है कि रसगुल्ला रसगुल्ला ही खाने मिल जाएगा, मीठा मीठा ही खाने मिल जाएगा तो सुख से बोर हो जाएंगे, फिल्म ही देखने को लगातार मिलती रहे तो उससे बोर हो जाएंगे। तो संवेदना वाले से तो बोर हो जाते हैं, लेकिन क्या भाव वाले से भी बोर होते हैं? अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके साथ विश्वास को बनाए हुए है, सम्मान को बनाए हुए है, तो क्या उससे भी बोर होते हैं? आप में समझ बनी हुई है तो आपके समझ जो बन गई है उससे भी बोर होते हैं क्या? है ना, तो अलग अलग तरह की चीजें हैं। संवेदना वाले से, एक्साइटमेंट वाले से तो सुख की निरंतरता से आप बोर होने लगते हैं, उसमें हो भी नहीं सकती। भाव वाले से, समझ वाले से सुख की निरंतरता हो सकती है और आप चाहते भी हैं। समस्या ये है, चाहते सुख की निरंतरता है, पूरा करना चाहते हैं संवेदना वाले से, एक्साइटमेंट वाले से, उसमें तो बोरियत होगी ही होगी। तो इसको और भी देख सकते हैं कि सुख के बारे में कुछ और प्रचलित मान्यताएं हैं कि सुविधा आवश्यक है मानव के लिए, सुविधा लेकिन पूर्ण नहीं है, है ना। और सुविधा पे जो निर्भरता है हमारी सुख के लिए, उसमें जो सुख मिलता है उसकी निरंतरता नहीं हो सकती, है ना। तो कार में लगातार चल के आप हमेशा सुख महसूस करते हैं ऐसा जरूरी थोड़े, भूल ही जाते हैं कि अब आपके पास कार भी है। खाने को नहीं रहता है तो अभाव रहता है, रोज खाने को मिल रहा है इससे कहाँ सुखी हो रहे, भूल ही जाते हैं। तो सुविधा से जो सुख लेने का प्रयास करते हैं उसमें सुख की निरंतरता संभव नहीं हो सकती। ऐसे ही सुविधाओं को खा करके, कुछ संवेदना पा करके उससे सुखी होने का प्रयास करते हैं तो उससे भी देखेंगे तो उससे भी मिलने वाले सुख की निरंतरता नहीं हो सकती, उसमें भी बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो आप 10 रसगुल्ले एक सिक्वेंस में खाइए तो पहले रसगुल्ले में जो सुख मिल रहा है वो 11वें में नहीं मिलेगा। अब जिसने 10 रसगुल्ले खुलाया वो डंडा लेके खड़ा हो जाए कि 10 और खाओ, तो 20वें रसगुल्ले तक आते आते तो वही रसगुल्ला आपको दुख देने लगेगा जो सुख दे रहा था। तो ये बात ध्यान में आती है कि संवेदना से भी जो सुख मिल रहा है उससे भी निरंतरता नहीं हो सकती। भाव वाले सुख में एक तरह की निरंतरता तो हो सकती है, लेकिन जिस स्रोत से मिल रहा है वो स्रोत वो भाव हमको देता रहेगा ये जरूरी नहीं है। तो कोई व्यक्ति हमारा सम्मान कर रहा है तो जब जब सम्मान करेगा हमारा सुख बना रहेगा, लेकिन वो सम्मान करेगा कि नहीं करेगा ये उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर उसकी स्थिति ठीक है तो सम्मान करता है, खुद ही में परेशान है, दुखी है, बेचैन है तो अपना ही होश नहीं है, हमारे सम्मान का होश उसको कहाँ रहता है। तो सोर्स से मिलने वाले भाव की निरंतरता नहीं रहती है कई बार, इस पे तो निरंतरता रहती है कि हमें अगर सम्मान का भाव है बना हुआ या मिल रहा है तो हमको उसमें लगातार सुख लगता है, लेकिन वो स्रोत उस भाव को लगातार दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा उसकी निर्भरता, उसमें निरंतरता नहीं हो सकती। तो इतने सारे सोर्सेज जहां से हम सुख पाने का प्रयास करते हैं, जरूरी नहीं है कि इससे निरंतर सुख हो सके, इसमें तो कभी सुख कभी दुख लगा ही रहेगा। तो निरंतर सुख कहाँ से हो सकता है? सही भाव अपने में सुनिश्चित करके, सही समझ अपने में सुनिश्चित करके, इन दो स्रोतों से जो मिलने वाला सुख है उसकी निरंतरता हो सकती है। हमारी समस्या क्या है? हम निरंतर सुख तो चाहते हैं लेकिन किससे? दूसरों से भाव पाकर, अनुकूल संवेदना पाकर, सुविधाएं इकट्ठा करके, इन सब से जो निरंतर सुख अर्थात आनंद की अपेक्षा लगाए हैं इसमें निरंतरता नहीं हो सकती, यहाँ तो सुख दुख लगा ही रहेगा। इसलिए सही भाव समझ के, जो सही भाव को अपने में सुनिश्चित कर पाते हैं और सही समझ जो अपने में सुनिश्चित कर पा रहे हैं उससे जो सुख अपने में सुनिश्चित होता है उसकी निरंतरता संभव है, उसमें निरंतरता हो सकती है। तो इस पर एक दो लोगों का ऑब्जर्व, एक लोग का सिर्फ ऑब्जर्वेशन लेके ब्रेक करेंगे बहुत ब्रीफ में, क्योंकि समय ऑलरेडी ब्रेक का हो चुका है। जी, राकेश कुमार अग्रवाल जी। जी, संतोष भैया, संतोष सराया जी, संतोष भैया माइक है आपके पास, आप बात कर सकते हैं, जस्ट आपको अनम्यूट करना होगा। अनिल कांबले जी, अनिल भैया आपके पास भी माइक है, राजीव भैया, अर्चना राठौड़ जी, ब्रिज कुमार जी, आप सभी के पास है। राजीव भैया, राजीव तिवारी जी। जी सर, जी सर,
तो जो स्लाइड आप देख रहे हैं अभी जो सामने है, इस पर अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई ऑब्जर्वेशन है तो बहुत ब्रीफ में एक दो मिनट में ही कर पाएंगे क्योंकि ब्रेक का समय हो गया है, तो डिटेल चर्चा ब्रेक के बाद करेंगे। जी राजा, अभी आपने जो अनुकूलन संवेदना के ऊपर बात की सर, वो बहुत यथार्थ बात थी। जैसे अभी आपने बोला कि जो एक रसगुल्ला हमको सुख देता है लेकिन अगर वो लगातार हो जाए तो उसके बाद कुछ समय बाद वो हमको दुख भी देने लगेगा। और एक एक इसके पहले, इस स्लाइड के पहले आपने जो एक बात कही थी वो भी बहुत सही बात थी कि आदमी घटनाएं घटती हैं लेकिन घटनाओं को हम क्या मायने देते हैं वो मायने हमारी अपेक्षाओं के ऊपर निर्धारित होते हैं और वही हमारे दुख का कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। किसी ने कहा है जब समझ विदा हो जाती है तो गंगा मैली हो जाती है। तो अगर हमारे अंदर समझ नहीं है तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है। जी जी, बढ़िया बढ़िया, ठीक है राजीव जी। तो आरपी सिंह सर, हम लोग फिर ब्रेक के लिए अनाउंस कर सकते हैं, 15 मिनट बाद वापस लौटेंगे तो अगले मुद्दे पे बात करेंगे।